वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग स्पीड क्लासेस तो आज की इस क्लास में अपन एक मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे जिसके अंदर लगभग पेपर टू के सारे सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन डाले गए हैं इसके अंदर लगभग सौ क्वेश्चन हैं, जिनको अपन डिस्कस करेंगे तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है आपका कौन सी स्टेप नहीं है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सो वी कैन इलिसिट द डिजाइन वी कैन एनालाइज द डिजाइन और वी कैन से जो रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट यूजर्स से जो डेवलपर होता है वो लेता है तो उसको इलिसिट करता है एनालाइज करता है डॉक्यूमेंट करता है पर यहां पर ये डिजाइनिंग स्टेप जो है दैट इज अ रॉन्ग स्टेट सो वी कैन से कि इज़ इज़ नॉट नॉट अ अ स्टेप स्टेप तो इट इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में लिसिटेशन होता है एनालिसिस होता है डॉक्यूमेंट होता है बट देर इज नो ऑप्शन ऑफ डिजाइन इट इज यूर करेक्ट आंसर सो सी इज यूअर करेक्ट आंसर नेक्स्ट वट इज अल्फा टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग इज डन एट अल्फा टेस्टिंग कहाँ की जाती है तो देखो अल्फा बीटा टेस्टिंग टाइप आपने कुछ सुने होंगे तो एक सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो डेवलपर बनाता है और यूजर को डिलीवर करता है जैसे आपने कई कबार सुने होंगे बीटा वर्जन यूजर को टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है तो बीटा वर्जन जो होता है यूजर टेस्ट करता है अल्फा जो होता है वो तो डेवलपर जो खुद होता है वो अपने आप को टेस्ट करता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर uh, के अंदर तो so, ये किसके द्वारा चेक किया जाता है डेवलपर एंड के द्वारा तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड लाइफ साइकिल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिफाइंड लाइफ साइकिल जो होती है उसमें क्या क्या जो पोर्शन होता है वो आपका नहीं होता है तो उसके अंदर एक कोडिंग होता है टेस्टिंग होता है डिप्लॉयमेंट के बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलेट करने के बाद मेंटेनेंस भी होता है लेकिन एब्स्ट्रैक्शन कहीं कॉन्सेप्ट आपका नहीं आता है तो इसका आंसर क्या होगा आंसर आपका होगा डी that is abstraction now next which of the following is not a unified modeling language aapne suna hoga uml jo aapki class diagram ke liye use hota hai software engineering andar to uske andar kaun kaun se options aise hain jo ki aap use nahi karte to dekhiye aap class diagram use करते हैं, deployment diagram भी use करते हैं जब अपन उसको डिप्लॉय करते हैं इंस्टॉल करते हैं सीक्वेंस डायग्राम ये भी यूज करते हैं ये बताता है कि कौन सा पूरे प्रोग्रामिंग क्लास डायग्राम में क्या फंक्शनैलिटीज हो रही है वो आपका सीक्वेंस डायग्राम बनाता है लेकिन कहीं भी स्टार नाम या स्टार डायग्राम नाम का कुछ भी नहीं होता है तो आपका इसका आंसर क्या होगा डी तो डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएमएल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सो डॉटेड एरो इन सिंपल से अपन बात करें डी एफ डी डेटा फ्लो डाइग्राम की बात करें आर यूज टू रिप्रेजेंट किसके लिए आपका यूज किया जाता है तो डेटा फ्लो के लिए कंट्रोल फ्लो के लिए रिजल्ट के लिए और सिंपली uh, कनेक्टर्स के लिए तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अपन पूछ रहे हैं कि डोटेड लाइन का यूज किस लिए किया जाता है जो डॉटेड एरो होते हैं उसका यूज होता है कंट्रोल बताने के लिए कि कंट्रोल कहाँ से कहां आपके क्या हो रहे हैं फ्लो रहे हैं यूज इन द अ डॉटेड लाइन इज सिंपली यूज फॉर कंट्रोल फ्लो सो द आंसर विल बी बी नेक्स्ट डी बगिंग सी डी बगिंग से सभी लोग परिचित होंगे डिबिंग uh, का अगर आप आंसर देखें तो सिंपली uh, किसी इरर को फाइंड आउट करके सही करना आपका डिबिंग कहलाता है तो यहाँ देखें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है क्रिएटिंग द प्रोग्राम कोड नहीं क्रिएटिंग द बग्स इन द प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग नहीं बग नहीं बनाते हैं फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द इर्स इन द प्रोग्राम कोड ये सही हो सकता है क्रिएटिंग द एलगरिथम नहीं तो आपका आंसर क्या होगा आंसर विल बी दी दैट इज फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द इर्स इन द प्रोग्राम कोड इट इज यूर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर डेवलपमेंट फेज अ डॉक्यूमेंट इज प्रयर डेवलपमेंट हो गया उसके बाद अपन क्या करते हैं लाइक like, so, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन 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 सिस्टम डिजाइन एंड नॉन ऑफ दिस तो जब भी अपन प्रोग्राम डेवलप हो जाता है तो वी आर मेनली गो फॉर सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑन वेयर वी वे आर रनिंग दिस पर्टिकुलर कोड तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बी सो द आंसर इज बी सिस्टम स्पेसिफिकेशन मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स देखिये ई कॉमर्स में सी का होता है कंज्यूमर uh, और बी का वो होता है बिजनेस तो यहाँ पर ये कंज्यूमर है और यहाँ पर बी का मतलब बिजनेस तो क्या क्या ऑप्शन है आपके देखते हैं अपन

वो उसको फर्दर ई कॉमर्स में यूज कराए तो इट इज नॉट इट इज यूज बट नॉट जनरली यूज ये किस तरीके से यूज किया जाएगा जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ जैसे किसी ने ब्लॉग लिखा है ब्लॉग का मतलब क्या होता है आ, जैसे मैं कुकिंग आ, अगर मुझे कुकिंग का शौक है तो मैं किसी रेसिपी अपने को अपने ब्लॉग में लिखूंगा और कोई रेस्टोरेंट ऑनर जो है <coughs> सॉरी उस ब्लॉग को पढ़ के उस रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में अगर अप्लाई करता है तो इज अ काइंड ऑफ बी टू सी तो ये जो होता है वो बहुत कम यूज होता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका ए सो द इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप टाइप तो है लेकिन इतना मेजर नहीं है तो इसका आंसर क्या हुआ आपका ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या फंक्शन है या ईज लिखा है ईस की जगह आर भी लिख सकते हैं अपन एक या एक से अधिक जो भी ऑप्शन होंगे इस तरीके से लिख सकते हैं मार्केटिंग ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हैं सप्लाई कॉमर्स है? so uh, e e में भी करते हैं तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ई e कॉमर्स में सारे जितने भी आपके पार्ट हैं वो सारे क्या हैं इज अ काइंड ऑफ फंक्शन इन सो आंसर विल बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर है तो यूजर आसानी से अपने आइटम को अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढ ले और उसको परचेस कर ले उसको अपन क्या बोलते हैं इंट्रेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या है आ, अगर बोले तो आ लाइट पेन क्या लाइट पेन से अपन करते हैं ग्राफिक्स यस डिस्प्ले यूनिट भी आपका है आ, बैंक ऑफ स्विचेस बहुत सारे स्विचेस की अपन बात करें तो क्या ये भी यूज करते हैं यस वी आल्सो यूज द स्विचेस इन द ई कॉमर्स बहुत सारे डिवाइसेज उस स्विच से कनेक्टेड होते हैं ई कॉमर्स से डिवाइडे स्विच क्या काम करता है अगर आपको पता हो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट तो स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो अब बहुत सारे अदर डिवाइस को, को नेटवर्क से क्या करती है कनेक्ट करती है लाइक like घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में स्विच क्या होता है एक जगह से लाइट आती है और वो स्विच सब जगह सारे पोर्शन को या सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को देता है तो ये भी उसका पार्ट है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका डी सो डी इज द करेक्ट आंसर द द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स तो ये सारे कंपोनेंट आपके इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होने चाहिए होने चाहिए नाउ द ईयर इन विच एस टी एम एल वाज द फर्स्ट प्रपोज तो ये याद करने का तरीका तो मुझे नहीं पता बट आई नो वन ऑफ माई फेवरेट क्लोज वन फ्रेंड जो है उसका बर्थ ईयर नाइन नाइनटी था उन्नीस सौ नब्बे था तो एस टी एम एल का जन्म हुआ या सबसे पहली बार कब ये आया तो उन्नीस सौ नब्बे क्या हुआ प्रपोज किया गया तो द द आंसर विल बी ए नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है देखिए द पर्पज ऑफ मार्कअप मार्कअप क्या हो होता है एस टी एम एल जो लैंग्वेज होते हैं उसको अपन टेक्स मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके बारे में पूछा गया है द पर्पोज ऑफ मार्कअप इज टू एट हाइपर कैपेबिलिटी हाइपरटेक्स कैपेबिलिटी देना उसको या इनहेंस द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को इनहेंस करना ए बी बोथ और नन ऑफ द दिस तो ये दोनों क्वालिटी हाइप माइक्रोप जो होता है वो कंटेन करता है तब हम कह सकते हैं द आंसर विल बी सी बोथ ए एंड बी सी ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया गया जिसमें थोड़ी मैथ भी है और थोड़ा एच कोड भी है क्या है देखिए यहाँ पर कंसिडर द्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो कंसिडर करते हैं अपन एच टी एम एल टैग हुआ है शुरू और यहाँ पे उसको अपन ने एंड किया है हेड यहाँ पे शुरू किया हेड यहाँ पर एंड किया है यहाँ पे टाइटल दिया जावा स्क्रिप्ट ये यह टाइटल यहाँ से दिया है तो यहाँ पे अपन बॉडी लिख रहे हैं जो बॉडी आपकी यहाँ खत्म हो तो रही है स्क्रिप्ट लिखा जावा स्क्रिप्ट आपने इसको नाम दिया राइट डॉक्यूमेंट आउटपुट प्रिंट करने कर रहे हैं अपन वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव मॉडुलस ट्वेल्व तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर ये मैथ फंक्शन है जब आप 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 25 उसको जब आप मॉडुलस करेंगे 12 से तो मॉडुलस क्या होता है रिमाइंडर तो 25 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा 24 रिमाइंडर कितना बचा 1 तो आपका पर one. So one यहाँ पर प्रिंट कितना होना चाहिए ओनली 1 सो 1 विल बी द आंसर यहाँ पर देखिए 1 विल बी द आउटपुट तो पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव स्क्रिप्ट तो वन आउटपुट होगा साथ में अगर ये टाइटल पेज आता तो उसमें जावास्क्रिप्ट आपका टाइटल भी लिखा हुआ आता नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू अबाउट एक्स एचटीएमएल ठीक है ये एडवांस वर्जन अपन कह सकते हैं एचटीएमएल का तो इट इज अ न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सएमएल एंड एचटीएमएल तो क्या ये सही लग रहा है uh, कहीं हद तक सही नहीं लग रहा है क्योंकि एक्स 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 के अंदर एच और दोनों होता है तो ये थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि तो इससे डिफरेंट नहीं है वही तो है बस कुछ एडवांस फीचर्स है इट हैज टोटली रिप्लेस एच टी एम एल एज अ टूल फॉर बिल्डिंग द वेबसाइट नहीं एच टी एम एल आज भी यूज की जाती है तो ये तो बिल्कुल गलत है इट इज अ रिफॉर्मुलेशन ऑफ एच टी एम एल इन एक्स एम एल ये अपन कह सकते हैं कि एच टी एम एल के एक्ल में रिफॉर्मेशन एक्स एच टी एम एल अपन कह सकते हैं रिफॉर्मेशन मतलब नया रूप वन कैन नॉट यूज टू क्रिएट द वेब पेज ये तो बिल्कुल गलत है इट हैज टू कन्वर्ट टू एच टी एम एल ये भी नहीं ये तो एक एप्लीकेशन होगी जबकि एक्स एच टी एम एल तो सारे काम करता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए सी देखते हैं क्या आंसर है यस yes, इसका आंसर आपका क्या है सी सो एक्स एच टी एम एल क्या है इट इज रिफॉर्मेशन रिफॉर्मुलेशन ऑफ एच टी एम एल इन एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी डी अपन कह सकते हैं कि टी सी पी आई पी मेनली यूज फॉर तो इसका आंसर मुझे सिंपली डी लग रहा था इसलिए मैंने आपको बोला डी क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर फाइल ट्रांसफर भी करता है ई भी करता है रिमोट लॉग लॉग इन सर्विस भी करता है आर एल एस जो रिमोटली लॉग इन अपन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो टी सी पी आई पी इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मॉडल मॉडल आपका होता है देखिए नेटवर्किंग के अंदर दो मॉडल होते हैं टी सी पी आई पी और एक ओ एस आई ये आपका रेफरेंस मॉडल है जिसमें सेवन लेयर्स होती हैं और टीसीपीआई पी में कहीं चार लेयर लिखी है कहीं पांच देयर लिखी है अगर चार और पांच दोनों दिखे तो आपको ऑप्शन चार्ज जो उसको राइट करना है अदरवाइज जनरली अपन पांच लेयर को लेके चलते हैं तो टीसीपीआईपी करंट वर्किंग मॉडल है आपका जो एग्जैक्टली exactly अपन कह सकते हैं कि यूज आता है तो एक कांड का आपका वर्किंग मॉडल है जबकि अपन बात करें अगर ओ एस आई का तो यह आपका रेफरेंस मॉडल है ये क्या है केवल और केवल रेफरेंस है थ्योरिटिकल है प्रैक्टिकली अपन ओएसए का यूज नहीं करते इसमें सेवन लेयर्स होती हैं और इसमें केवल चार या पांच लेयर्स होती हैं तो टीसीपीआईपी जो होता है वो फाइल भी ट्रांसफर करता है ईमेल्स भी करता है रिमोटली लोकेशन भी अपडेट कराता है तो आपका आंसर क्या होगा आंसर विल बी डी ठीक है तो आपका आंसर देखिए डी लग ही रहा था और डी आपका आंसर है नाउ इज द सर्च इंजन पता है आप लोगों को सर्च इंजन क्या होता है सर्च इंजन एक वेब ऐप अपन कह सकते हैं जिससे अपन कोई चीज उसमें सर्च करें तो वो सारी उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स वीडियो इमेज जो अपन को सर्च करके प्रोवाइड कराते तो उसको अपन क्या बोलते हैं सिंपली से दैट इज अ सर्च इंजन तो देखिए अ प्रोग्राम दैट सर्च इंजन अ प्रोग्राम दैट सर्चे इंजन नहीं वह प्रोग्राम जो इंजन को सर्च करता है उसको सर्च इंजन कहते हैं नहीं अब वेबसाइट ट सर्च एनी ये थोड़ा बहुत हो थो सकता है हार्डवेयर हार्डवेयर तो है ही नहीं अब मशीन ये मशीन machine, मशीनरी भी नहीं है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए बी इट इज अ वेबसाइट दैट सर्च एनी थिंग लाइक याहू लाइक ए एस सी लाइक गूगल ये सारे आपके क्या हैं सर्च इंजन है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए सी इज अ लैंग्वेज तो देखिए लैंग्वेज दो प्रकार की होती है एक होती है आपका हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में सारी ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज जो आज तक अपन पढ़ते हैं लो लेवल में आपकी एक तो असेंबली आती है और एक मशीन लैंग्वेज आती है जिसको अपन बोलते हैं जीरो है और वन ठीक है तो आप अगर स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसको अपन कह सकते हैं कि ना तो ये हाई में लाई करती है ना लो में लाई करती है ये कहीं मिडल में लाइक करती है इसलिए इसको बोला गया मिडिल लेवल लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज क्या है इज अ काइंड ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज तो आपका इसका आंसर क्या हो गया सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिस्ट्रक्टर तो देखिए ये सी प्रोग्रामिंग का का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है. तो अगर अपन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात करें डिस्ट्रक्टर तो देखिए यहां पर मेन चार प्रॉपर्टी होती है नेम इज सेम एज क्लास नेम जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसका नाम क्या होता है क्लास नेम के होता है दूसरी प्रॉपर्टी होती है नो रिटर्न टाइप तीसरी प्रॉपर्टी होती है पब्लिक में डिफाइन होता है और चौथी होती है कॉल ऑटोमेटिकली वेन ऑब्जेक्ट ऑफ एट्स क्लास क्रिएटेड इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जाता है तभी क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कॉल हो जाता है ठीक है तो ये चार प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज होती है बट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम क्रिएट नहीं होता है जब आपका प्रोग्राम एग्जिट होता है प्रोग्राम या फिर फंक्शन या फिर बॉडी जब एग्जिट होती है तब क्या होता है आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और साथ में उसमें टाइट का साइन भी होता है ठीक है नगेशन भी अपन जिसको बोल सकते हैं तो देखिए कंट्री अगर क्लास है तो क्या ये डिस्ट्रक्ट होगा नहीं क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप दे रखा है ये हो सकता है क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप नहीं दे रखा है ये नगेशन दे रखा है ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता तो आपका आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर कि ये आपका क्या है डिस्ट्रक्टर है डिस्ट्रक्टर का यूज क्यों क्या करते हैं अपन कंस्ट्रक्टर द्वारा जो ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिलीट करने के लिए मेमोरी को रिलीज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है देखिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जावा बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जावा इज अ अक्वेंस डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जावा इज अ कोर्स डिपेंडेंट नहीं प्लेटफॉर्म जावा इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो सकता है जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट पूछा है जावा क्या है इंडिपेंडेंट है तो आपका आंसर क्या होगा आंसर विल बी डी जावा इज अ प्लेटफॉर्म तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है language जो कि क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपका आंसर क्या होगा डी इज अ करेक्ट आंसर देखिए डी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन सी हैश या सी शार्फ जिसको बोलते हैं अपन सब रूटीन इज कॉल देखो सब रूटीन जनरली कहा जाता है फंक्शन को अपन कहते हैं या कहीं कभी कैथड्स को भी कहते हैं लेकिन अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहां पर जो सब हैं अपन कहते मैथड्स क्या कहते हैं मैथड्स ऑप्शन क्या होगा आपका सी बाकी अपन जो सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें अपन क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं तो यहाँ पर सब रूटीन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं मैथड्स या वह सेट ऑफ कोड जिस सहायता से अपन किसी कार्य को करते हैं तो आंसर विल बी सी नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या है वट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ए क्या है तो अपन को पता है किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना ए आई कहलाता है तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखते हैं अ फील्ड दैट एम टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट ह्यूमन को इंटेलिजेंट नहीं बनाना है अ फील्ड दैट एम टू इंप्रूव सिक्योरिटी ये कहीं हद तक कुछ हो सकता है अप्रोप्रिएट तो नहीं कह सकते

ब्लॉकचेन का फ्लस ब्लॉक नोड कहलाता है नहीं अ कंप्यूटर ऑन ब्लॉक चेन मे बी इट इज करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रांजेक्शन के तो उसके अंदर जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको अपन नोड कह सकते हैं अ लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लोडर नहीं लिंक हो तो लिंक कहते हैं नोड क्यों कहते हैं एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इसको भी अपन नहीं बोलेंगे इट इज आल्सो रॉन्ग आंसर तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आंसर विल बी द बी तो बी आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर

बैगिंग uh, कहते हैं या फिर बुड स्टेप एग्रीगेशन कहते हैं तो आपने अगर एम अगर थोड़ा पढ़ रखा है तो मशीन लर्निंग के अंदर चार प्रकार की uh, बन कह सकते हैं कुछ टेक्निक यूज करते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग तो उसी के अंदर आपकी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिसमें एक टेक्निक्स आती है एक तो आपका होता है डिसीजन ट्री एक होता है रेंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री में क्या होता है आपकी ट्री के अंदर नोड्स होती हैं और उन नोड के अंदर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के आधार पर अपन फाइनल रिजल्ट आता है और रैंडम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर क्या आते है बहुत सारी ट्री होती है तो एक ट्री का रिजल्ट दूसरी ट्री का रिजल्ट तीसरी ट्री का चौथी ट्री का पांचवी ट्री का और सब ट्री का रिजल्ट अपन ने मिला और जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी ज्यादा है उसका रिजल्ट अपन ने ले लिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे रैंडम फॉरेस्ट सो so, ये दोनों थोड़ा सा लिंकिंग है रैंडम फॉरेस्ट और बैगिंग का तो आंसर अपन कह सकते हैं बैगिंग इज द करेक्ट आंसर रिग्रेशन क्या होता है कंटिन्यूस वैल्यू को क्लासिफाई करना रिग्रेशन कहलाता है मतलब आ, अब यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन दे रखा है क्लासिफिकेशन मतलब इट इज वी कैन से क्लासेस में डिवाइड करना लाइक मेल और फीमेल लाइक बॉयज एंड गर्ल्स समथिंग लाइक दैट तो ये क्लासिफिकेशन लाइक चीजें रिग्रेशन आपका थोड़ा अलग चीज है तो क्लासिफिकेशन आपका वी कैन से कैटेगरिकल वैल्यू का होता है रिग्रेशन जो आपका होता है वो आपका कंटिन्यूस वैल्यू का होता है लाइक इन बिटवीन अपन कह सकते हैं तो आंसर देखिए डी इसका आंसर आपका डी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन अ पाइथन केस सेंसिटिव वैन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर्स तो क्या पाइथन आपका कैसेंटिव जब आइडेंटिफायर से डील करते हैं तो जनरली ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए अपना नो no होगा यस yes, होता ही नहीं है सेंसिटिव uh, का इतना कोई इशू नहीं है तो आंसर क्या आपका देखिए मे कंसिस्ट ऑफ रिटर्न टाइप मैंने पहले बताया रिटर्न टाइप नहीं होता है नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी रिटर्न टाइप ये आपका बिल्कुल सही आंसर है अभी क्वेश्चन देखा था अपन ने कम रिटर्न टाइप नहीं ऑफ ए क्लास रिटर्न टाइप नहीं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें बी देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर नाउ वी कैन डिफाइन नंबर ऑफ टाइम्स कितने नंबर ऑफ टाइम डिफाइन कर सकते हैं ऑफ अ साइट किसी साइट को विद वन कॉपी ऑफ ड्रीम वीवर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर। अगर ड्रीम वीवर अपन ने किसी इंस्टॉल के ऊपर कर रखा है तो एक साइड को कितनी बार उसको डिफाइन कर सकते हैं नाइन नाइन जीरो बार वन जीरो बार या ओनली वन बार तो अगर आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट का कुछ नॉलेज होगा तो ड्रीम वीवर पे अपन किसी साइड को मल्टीपल टाइम जिसको कह सकते हैं अनलिमिटेड टाइम अपन क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए इसका डी

तो बैलेंस फैक्टर की अगर अपन बात करें तो अगर कोई नोड यहां दे रखी है देखिए इसका अगर अपन बैलेंस फैक्टर निकालें रूट नोड का तो देखिए लेफ्ट में देखिए जीरो आ, जीरो ही लेवल होता है एंड टू राइट पे देखते हैं जीरो वन एंड टू तो टू माइनस टू तो आपका बैलेंस फैक्टर क्या जीरो यहां देखते हैं राइट में कुछ भी नहीं है जीरो वन एंड टू 2 माइनस राइट में कुछ भी नहीं है जीरो तो बैलेंस फैक्टर कितना आएगा टू तो AVL ट्री वह ट्री होती है जिसमें किसी भी नोड का जो बैलेंस फैक्टर होना चाहिए या तो होना चाहिए जीरो या होना चाहिए वन या होना चाहिए माइनस वन या अपन कह सकते हैं सो मॉडुलस ऑफ वन या अपन कह सकते हैं प्लस माइनस दोनों आपका कोई सा भी हो सकता है मोड ऑफ वन अपन कह सकते हैं तो so, किसी भी ट्री का बैलेंस फैक्टर या तो जीरो हो या एटमोस डिफर अगर वन आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं एवीएल ट्री तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए एवीएल इट इज द ट्री इज करेक्ट आंसर लेवल इज वेयर द वेर बिकम्स कम्पेटिबल एग्जीक्यूटेबल कोड तो आपका पूछा गया है कि एग्जीक्यूटेबल कोड के कंपेटेबल आपका कब आएगा तो जब हम किसी कोड को एग्जीक्यूटेबल करते हैं तो क्या एप्सेक् लेवल कहलाता है नहीं एब्स्ट्रैक्ट इज द हाईएस्ट लेवल जहाँ पे अपन केवल और केवल व्यू देखते हैं न कि डिटेल देखते हैं लेकिन यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एप्लीकेशन लेवल भी नहीं हो सकता क्योंकि एप्लीकेशन लेवल जो होता है वो आपका एबस्ट्रेक्ट लेवल अपन कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन लेवल कहीं हद तक हो सकता है क्योंकि एग्जीक्यूटेबल कोड या कंपेटेबल एग्जीक्यूशन कोड जो होता है वो आपका इम्प्लीमेंट लेवल पे आपका किया जाता है ऑल ऑफ द वैसे भी नहीं है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए सी देखते हैं सो सी इज द करेक्ट आंसर सो सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट क्या ऑपरेशन है uh, फिर अपन क्या स्टोरेज स्ट्रक्चर नन ऑफ द दिस तो पूछा गया है कि डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट कौन सा नॉट uh, है नहीं है तो so, ऑपरेशंस भी कंपोनेंट है स्टोरेज स्ट्रक्चर भी है आपका अलग अलग काइंड के स्टोरेज स्ट्रक्चर अपन यूज करते हैं लाइक स्टैक क्यू

अगर मैं इसको इंसर्ट किया तो पहले आएगा ए बी सी और पॉप करूंगा तो पहले आएगा सी देन बी देन ए रिवर्स ऑर्डर आया और इसका क्या बोलते हैं आपको याद होगा इसको बोलते, है बोलते हैं इसको स्टैक बोलते हैं तो ये आपका स्टैक हुआ जो कि कौन से प्रिंसिपल पे आदर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको अपन क्या बोलते हैं लिफो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका ए तो देखिए ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं

कोई ए वर्टेक्स है या सी वर्टेक्स या डी वर्टेक्स है तो हर वर्टेक्स की हर वर्टेक्स के साथ अगर अपन कनेक्टिविटी बिठा दें डाल दें तो उसको अपन क्या बोलेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड

कि आप लाइब्रेरी में बुक लेने गए यहां पर सो बुक पढ़ी है तो आप उस बुक को स्टार्टिंग से शुरू करें और लास्ट तक जाते जा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्चिंग अगर आप लकी रहे तो स्टार्टिंग में मिल जाएगी सबसे पहले अगर आप अनलकी रहे तो हो सकता है लास्ट बुक आपकी हो तो एवरेज टाइम क्या होगा वन प्लस एन बाई टू तो ये आपका क्या होना चाहिए एवरेज सर्चिंग टाइम ऑफ वी कैन से सिक्वेंशियल सर्चिंग तो ये क्या होना चाहिए एन प्लस वन बाई टू तो बी आपका इसका आंसर होना चाहिए तो देखिए बी आपका इसका करेक्ट आंसर है उ द वे विच डेटा आइटम और आइटम आर लॉजिकली रिलेटेड डिफाइन पूछा गया है वो कौन सा वे है जिससे डेटा जो आपका लॉजिकली रिलेटेड रहता है या करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में इट इज डिफाइनिंग की डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्टोर करें ताकि उनको अपन क्या कर पाए एक्सेस कर पाए तो आपका आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर डेटा स्ट्रक्चर यस बी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट बल डेटा स्ट्रक्चर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम लिंक लिस्ट क्या करता है लिंकलिस्ट इज अ काइंड ऑफ वी कैन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं जिसमें आपका मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस नहीं होता है तो इंसर्शन अपन इंसर्शन शॉर्ट वी कैन यूज लाइक दैट रेडिक शॉर्ट यूज कर सकते हैं पॉलिनोमल स्टोर कर सकते हैं बट बाइनरी सर्च में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है हालांकि उसमें भी अपन स्टोर कर सकते हैं फॉर डेटा स्ट्रक्चर किसके लिए सुटेबल नहीं है तो इसका आंसर होना चाहिए बी तो देखिए बी इज द करेक्ट आंसर लिखा है नॉट इजोर्ड एज सोर्टेड सॉर्टेड मतलब जैसे कोई वैल्यू दे रखी है आपका टू एट वन फोर सेवन टू टू को मैं ट्वेल्व कर देता हूँ अगर आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है तो आप कैसे सर्च करेंगे लीनियर सर्च में तो एक के बाद एक सर्च करते हैं लेकिन अगर ये बाइनरी सर्च होता और आपकी वैल्यू समोज आपको सर्च करनी होती फोर तो आप इसका मिडल निकालते हैं और चेक करते हैं फोर के इस तरफ छोटी वैल्यू कौन सी है बड़ी वैल्यू कौन सी है और वो अपन चूज करते हैं तो उसमें हर हमेशा ये क्या होना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म होना चाहिए तो वन देन टू देन आपका फोर देन एट देन ट्वेल्व तो ये आपकी मिडल वैल्यू आई और फोर अगर आपको फोर सर्च करना है वही मिलगी तो ठीक है सर आपको वन सर्च करना है तो मिडल वैल्यू निकाली तो ये वन जो है वो मिडल वैल्यू से छोटी या है, बड़ी है, आप बोलोगे कि छोटी है तो अपन क्या करेंगे इसको डिस्कार्ड कर देंगे अब इसको अपन सर्च करेंगे इसकी मिडल वैल्यू आएगी निकालेंगे मिडिल वैल्यू लके लिए वन ही आएगी तो वन आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर तो ये आपका किस में होता है बाइनरी जो सर्च होता है उसमें आपका जो आइटम जिसको अपन सर्च करना चाहें वो क्या होना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए मल्टीपल सिग्नलॉग मॉड्यूल डिजिटल मॉड्युलेशन या मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग देखिए नाम भी लिखा है मल्टीप्लेक्सिंग सिंगल कैन गो फॉर द मल्टीपल तो आंसर विल बी दी मल्टीप्लेक्सिंग नेक्स्ट वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया रेडियो वेव रेडियो वेव आपने देखी होंगी अपन रेडियो वगैरह सुनते हैं उससे माइक्रोवेव भी यूज किया जाता है इंफ्रारेड रे भी यूज किया जाता है तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबो ऑल ऑफ द अबो मेंशन तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेटवर्क लेयर कंसर्न विद तो नेटवर्क लेयर में क्या क्या होता है तो बिट आपकी तो लास्ट लेयर जो होता है फिजिकल लेयर में आपका होता है और फ्रेमिंग जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है तो पैकेट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए तो सी पैकेट इज द करेक्ट आंसर Now next, which one of the following is not function of the network layer? Network layer का फंक्शन क्या नहीं है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिए राउटिंग राउट करना यस नेटवर्क भेजता है तो राउटिंग करता है इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन भी करता है कंजेक्शन कंट्रोल ट्रैफिक को मैनेज करना ये सारे काम इसके हैं नेटवर्क के ले नॉन ऑफ देंशन आंसर आपका डी होना चाहिए डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तो फोर बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ देखिए चार बाइट का एड्रेस और तो क्या कंसिस्ट करता है तो IPv4 अपन बात करते हैं अगर उसकी बात करें तो IPv4 आपका होता है जिसमें आपका आठ डॉट आठ आठ डॉट आठ ये टोटल फोर बाइट हो गया बत्तीस बिट हो गया आपका तो ये आपका क्या होता है आईपी आजकल जो अपन यूज करते हैं वो इसी फॉर्म में आपका होता है उसके अंदर एक नेटवर्क आईडी होती है एक होस्ट आईडी होती है दोनों आईडी उसके अंदर होता है तो आपका आंसर होना चाहिए सी बोथ ए एंड बी मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग देखो मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग क्या है अह उसको पूछा गया इज द सेम एज ब्रॉडकास्ट राउटिंग या फिर कंसिस्ट द लिस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन डेटा इज नॉट सेंड बाय द पैकेट नॉन ऑफ द मेंशन अबो इसका मतलब क्या है समझाता हूं देखिए जब uh, अपन काम करते हैं मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग तो ये बताया गया है कि जब आपका जो इनपुट सोर्स है वो मल्टीपल है और आउटपुट सोर्स भी मल्टीपल है जहां पे अपन को भेजना है तो बहुत सारे डेटा को जो राउट करने की वैल्यू आपका बताया गया है उसमें डेटा आपका पेज फॉल्ट की वजह से सेंड नहीं हो पाता है तो पैकेट डज नॉट सेंड बाय द डेटा इज नॉट सेंड बाय दैकेट मिस हो जाता है फॉल्ट जो हो जाता है तो उसको अपन सिंपल सा क्या बोलते हैं मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग आंसर विल बी सी होना चाहिए तो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं द नेटवर्क लेट इज इथर ने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नन ऑफ द अबो मैंशन देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए तो अब उनको बताया नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में अपन आई पी यूज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिससे अपन डेटा को शेयर कर पाए तो इसका आंसर होना चाहिए बी बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग following was the टोकन बस bus? IBM की जो टोकन बस है वो कौन सी पूछा है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एट जीरो नॉट वन जीरो नहीं है एलेवन ये भी नहीं है आपका uh, जो अपन लाइन में जनरली यूज करते हैं uh, ये भी नहीं है आठ सौ दो डॉट चार आई ट्रिपल ई एट जीरो टू फोर तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है. देखते हैं डी इज द करेक्ट आंसर तो ये या आप याद रख सकते हैं द फॉलोइंग वाज आईबीएम आईबीएम टोकन टोकन बस बस की जो token bus है उसका स्टैंडर्ड कौन सा है तो आई ट्रिपल ई आई फोर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट द नेटवर्क विद द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखिए स्विचेस क्या करता है मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि एक लैन आई है उसको मल्टीपल इंटरनेट डिवाइसेस से कनेक्ट कराने का काम स्विच करता है हब क्या करता है एक ही नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके जोड़ता है गेटवे क्या करता है एक नेटवर्क को डिफरेंट दूसरे नेटवर्क के साथ क्या करता है जोड़ने का काम करता है और पूछा क्या है अ डिवाइस दैट कनेक्ट द नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या डिफरेंट नेटवर्क तो उसका आंसर क्या होना चाहिए आपका गेट वे देखिए सी इज द करेक्ट आंसर गेट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेज हैज द स्लोवर टाइप ऑफ द कनेक्शन कौन सा छोटा है देखिए डी एस एल डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन हो सकता है एग्जाम में आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं मिले डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन है राउटर दे रखा है आपका डायल अप मॉडम पहले आता था डायल अप मॉडम रन ऑफ द अबो तो ये इट इज द ओल्डेस्ट वन तो ये आपका स्लो होना चाहिए देखते आंसर क्या है तो सी इज द करेक्ट आंसर डायल अप मॉडर्म जो होता है उसकी स्पीड क्या होती है कनेक्शन स्पीड टाइप क्या होती है आपकी स्लो होती है वहीकल ऑन बैटल फील्ड लड़ाई के क्षेत्र में विथ नो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कोई भी सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर uh, नहीं होता है विल भी डिप्लॉय नेटवर्क कौन सा नेटवर्क आपका जो है वो डिप्लॉय करते हैं मैननेट uh, मैननेट की फुल फॉर्म होती है आपका मोबाइल एडॉक नेटवर्क अपन कह सकते हैं या वायरलेस एडॉक्ट नेटवर्क भी कभी कभी इसको कहा जाता है सेल नेटवर्क लेन या फिर वाईफाई तो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क बनाया जाता है वहां पर तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ए ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इथिकल हैकर इथिकल हैकर क्या होता है उसका गोल क्या होता है इथिकल हैकर क्या होता है वो हैकर जो कि किसी की साइट को चेक करते हैं सिक्योरिटी के लिए और परमिशन विद द डेवलपर तो उसको अपन क्या बोलते हैं इथिकल हैकर तो क्या क्या ऑप्शन है आपका इसके अंदर देखते हैं अपन देखिए क्या क्या ऑप्शन अपन को दे रखे हैं अवॉइडिंग uh, डिटेक्शन नहीं उसका काम ही डिटेक्शन का ये तो गलत आंसर हो सकता है टेस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स ये कहीं हद तक हो सकता है रिजॉल्विंग सिक्योरिटी वेल न्यूरेबिलिटी का मतलब अपन कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी की भिन्नता है कमियां हैं उनको निकालना रि, रिमूव करना तो ये तो स्ट्रांगली कनेक्टेड है ये आपका हो सकता है डिटरमाइन द रिटरमाइनिंग रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी अपन कह सकते हैं मेजर्स नहीं ये नहीं हो सकता है रिटर्न इन्वेस्ट कितना करो उसका रिटर्निंग निकालना ऐसा नहीं कह सकते अपन तो सी आपका जो वो करेक्ट आंसर बैठ सकता है कि इथिकल हैकर क्या करता है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भिन्नता है उनको रिमूव करता है तो सी देखिए आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट व्हाट इज द पार्ट ऑफ वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट टेन डॉट फिफ्टी वन इज द नेटवर्क आई डी नेटवर्क आई डी पार्ट कौन सा है तो देखिए आपने क्लास क्लास फोल क्लासीफिकेशन पढ़ा होगा क्लास ए क्लास बी क्लास सी एंड क्लास डी क्लास ए जो होती है आ, उसके अंदर जो नेटवर्क आईडी पार्ट होता है वो आपका होता है आठ बिट क्लास बी में आपका सोलह बिट क्लास सी में आपका चौबीस बिट और एक ई e क्लास भी होती है इनमें मिलिट्री वगैरह के लिए यूज होता है बैंकिंग मिलिट्री समथिंग इनमें कोई बताया नहीं गया है वो आईडी डी रिमेनिंग जो आईडी पार्ट बचा हुआ है चौबीस सोलह और आठ तो और आपको अगर मैं बता दूं रेंज की बात करूं तो ज़ीरो टू वन ट्वेंटी सेवन जो होती है वो क्लास ए का आई होता है अगर कोई आई एड्रेस शुरू हो रहा है ज़ीरो टू वन ट्वेंटी सेवन तो वो क्लास ए का आई होगा इसमें फिर आप जोड़ दें अगर सिक्सटी फोर तो वन ट्वेंटी एट टू वन नाइन्टी वन जो आपका होता है वो क्लास बी का आई होता है देन अगर इसमें आप बत्तीस जोड़ दें तो देखिए वन वन बत्तीस जोड़ते हैं अपन तो वन से लगाकर इसमें बत्तीस जोड़ दीजिए तो गया आपका 3, तो गया आपका थ्री, टू और टू 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 थ्री ये आपका क्लास सी का आईपी होता है इसमें आप सोलह जोड़ दीजिए तो दो सो चोईस से अगर मैं सोलह जोड़ता हूँ, इसमें जोड़ना पड़ेगा सोलह तो नाइन और थ्री तो टू थ्री नाइन ये क्लास आपका डी है और सोलह और जोड़ देंगे तो दो सो चालीस से लगाकर दो सौ पचपन

अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फोलोविंग इज अ अशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑन एग्जीक्यूट रन इट्स ऑन कोड एंड मॉडिफाई द अदर कंप्यूटर प्रोग्राम तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वायरस स्पैम स्पाईवेयर एंड एडवेयर देखते हैं क्या क्या होता है देखिए एडवेयर क्या करता है आपकी मशीन में घुस जाता है छुप जाता है और एडवर्टाइजमेंट आपको देता है स्पाईवेयर क्या करता है स्पाई का काम करता है जासूसी का काम का 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 करता है आप का 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 जो काम कर रहे हो उसको देखता है स्पैम क्या करता है जैसे आपने मेल देखी होगी अनसपिशियस या अनऑथोराइज ऐसी मेल जो आती है मैसेजेस जो आते हैं उसको अपन स्पैम कहते हैं वायरस कहीं हद तक ही हो सकता है वायरस क्या करता है सिस्टम में घुस जाता है खुद का कोड बनाता है इंस्टॉल करता है और रन करता है और प्रोग्राम को क्या कर देता हैक कर देता है तो आंसर आपका वायरस होना चाहिए तो ए वायरस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सेसिंग टू द डेटा बेस बाय द अनऑथोराइज यूजर Is to. So, को किसी अनऑथोराइज यूजर से एक्सेस करना क्या कहलाता है इंटीग्रिटी नहीं प्रोडक्टिविटी नहीं सिक्योरिटी हो है, नहीं सकता है रिलायबिलिटी नहीं कह सकते हैं तो देखिए करेक्ट आंसर इन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड मॉडल वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस डेटा बाई अन ऑब्जेक्ट बाई पासिंग तो अपने अपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी उप की प्रॉपर्टी जिसमें आपने देखा होगा क्लास ऑब्जेक्ट

प्रोग्राम इज नोन एज जो व्यू uh, अपन को अप्योर होता है डेटा बेस दट अपियर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को तो देखिए डेटा बेस का पूरा व्यू उसका अप्योर नहीं होता कुछ सब पार्ट उसका अप्योर होता है क्योंकि डेटाबेस में तो बहुत सारे आपके टेबल्स वगैरह होती हैं बहुत बड़ी स्कीम होती है तो उस कुछ पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं सब स्कीम तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सब स्कीमा नेक्स्ट एपस्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है एब्सेक्शन क्या होता है आपको जनरलाइज चीजें को को प्रोवाइड कराना हाई लेवल जैसे मैं बोलूं आपको कंप्यूटर तो बड़ी चीज है लेकिन कंप्यूटर के अंदर में डिटेल से बोलू कि भैया आई सेवन कंप्यूटर है आठ जी बी रैम है वन टीबी आपका ग्राफिक्स कार्ड है आईटेल आपका आई सेवन नाइन जनरेशन प्रोसेसर्स है और एक लैपटॉप है तो ये बहुत डिटेल्स होगी सिंपल सा लैपटॉप बोला तो ये कम डिटेल होगी तो जितनी कम डिटेल प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं हायर लेवल ऑफ एब्सैक्शन क्शन कॉन्सेप्ट फॉर बिल्डिंग द कम्पोजिट ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर कंपोनेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन से अपन बोलते हैं, आंसर देखते हैं क्या डी है देखिए स्पेशन क्या कहलाता है अभी मैंने आपको बताया कि मुझे लैपटॉप लेना है तो उसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया डिटेल फॉर्म तो, में देना ये आपका जनरली टॉप टू बॉटम आपका जाता है ऊपर से नीचे जनरलाइज फॉर्म से डिटेल फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन ये जनरली टेबल्स वगैरह में यूज़ होता है किसी डेटा को आ, किसी नॉर्मल फॉर्म में टेबल फॉर्म में अरेंज करना जैसे अपन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं उसको अपन नॉर्मलाइजेशन कहते हैं जनरलाइजेशन वही बताया मैंने बॉटम टू अप मैं अपने स्पेसिफिक लैपटॉप को लैपटॉप की पूरी डिटेल ना बता के केवल उसको अगर लैपटॉप बोल दूँ तो वो मेरा क्या होगा जनरलाइजेशन और एग्रीकेशन क्या होता है आपने फंक्शन पड़ोंगे मीन मैक्स काउंट वगैरह जो निकालते हैं अपन इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीगेशन टाइप्स ऑफ डेफिनेशन तो देखिए एब्सैक्ट कॉन्सेप्ट फॉर बिल्डिंग द कम्पोजिट ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बहुत सारे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट हैं उससे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना बनाना तो उसको अपन क्या बोलते हैं एब्सटेक्ट और उसके डेफिनेशन क्या आपकी एग्रीगेशन नेक्स्ट एवरी वीक इंटिटी सेट कैन बी कन्वर्टेड इंटू दी सेट अगर कोई इंटिटी वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कैसे बना सकते हैं इसके साथ किसी एट्रीब्यूट को जोड़ दिया जाए है ना एट्रीब्यूट को अगर अपन जोड़ देंगे तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे यूनिक की को जनरेट कर देंगे और वो तो 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 नहीं, नहीं, नहीं आपका आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन ई आर मॉडल एंटिटी रिप्रेजेंटेशन मॉडल अपन बोलते हैं इंटीटी रिलेशन मॉडल अपन बोलते हैं तो ई आर मॉडल

that provides very fast access to any arbitrary record of the file is किसी भी फाइल को बहुत फास्ट लेकर अपन एक्सेस कर लें तो उसको अपन क्या कहेंगे तो देखिए ऑर्डर्ड फाइल नहीं ये तो वन बाय वन लीनियर सर्च करते हैं अनऑर्डर्ड फाइल नहीं ये भी अपन को लीनियर सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे अपन ऑर्डर फाइल में बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं यहाँ अपन लीनियर सर्च यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च लीनियर सर्च क्या होता है प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हैश फंक्शन हो सकता है हैश फंक्शन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मैंने लिख दिया कि ये मेरी बकेट है बहुत सारी बकेट्स आपका है इसे मैंने फंक्शन बना दिया डिवाइड बाई टू मॉडुलस बाई टू तो पहली बकेट दूसरी बकेट ऐसे दस बकेट बना दी जैसे मेरा पाँच आया तो पाँच को दो से मॉडोलस करूँगा रिमाइंडर क्या बचेगा एक इसको यहाँ लिखा इसको मैं आ, दस से मॉडोलस कर देता हूँ चलो तो पाँच बचेगा तो ये मेरी पाँचवीं बकेट होगी उसमें मैंने डाल दिया पाँच को सपोज मेरा आया बारह स किया दस से तो रिमाइंडर कितना बचा दो तो इसको मैंने किस में डाल दिया दूसरी बकेट में तो मुझे डायरेक्टली वो बकेट मिल जाएगी जहां मेरा को स्टोर कर रखा है तो वो किससे प्रोवाइड कराती है अपन को से तो हैश फाइल जो होती है उसको टाइम क्या होता है आपका बहुत ही फास्ट होता है तो देखते हैं क्या सही आंसर है यस सी इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोटाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर तो देखिए Uh, जो आपका डेटा बेस है या अपन कह सकते हैं डी जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी ए फॉर ऑटोमिसिटी सी फॉर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी देन आई फॉर आइसोलेशन डी फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑटोमिसिटी का मतलब क्या होता है पूरा प्रोग्राम या तो वन हो एक साथ होगा या फिर नहीं होगा ट्रांजेक्शन या तो एक बार में पूरा हो जाएगा या फिर ट्रांजेक्शन आपका नहीं होगा आइसोलेशन मतलब बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं और सब आपस में क्या होते हैं इनडिपेंडेंट होते हैं सारे आपस में क्या होते हैं इनडिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे और सारे आपस में क्या होंगे इनडिपेंडेंट उसको अपन क्या बोलते हैं आइसोलेशन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है आपका डेटा ट्रांजेक्शन से पहले और ट्रांजेक्शन के आफ्टर ट्रांजेक्शन डेटा क्या आपका कंसिस्टेंट है मतलब आपके डेटा जो है वो गड़बड़ा नहीं आपने पैसे निकाले दो हजार रुपए अकाउंट से पांच हजार रुपए कम हो गए या फिर हुए नहीं तो ऐसा नहीं होगा डेटा मस्ट बी द कंसिस्टेंट ड्यूरेबिलिटी अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं और सिस्टम क्या हो जाता है फेल हो जाता है तो ये इंश्योर करता है कि चाहे सिस्टम फेल हो कुछ भी हो ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो सक्सेसफुली आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा रिफ्लेक्ट होगा डेटाबेस में क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होगा तो ड्यूरेबिलिटी क्या बताता है ये बताता है कि सिस्टम फेल होने के बाद भी आपका ट्रांजेक्शन होगा तो आंसर क्या होना चाहिए डी देखते हैं यस डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन द रिलेशनल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंटीटी इंटीग्रिटी डोमिन इंटीग्रिटी कुछ चार पांच प्रकार के इंटीग्रिटी होती है आपके डेटा के अंदर तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जनरली रिफर करती है किसी एक टेबल और किसी दो टेबल के बीच में जो रिलेशन होता है तो रिलेशन किससे बनाते हैं अपन फॉरेन की के साथ तो इसका आंसर जनरली बी होना चाहिए फॉरेन की प्राइमरी की किसी टेबल में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्बिनेशन होता है एट्रीब्यूट को उनको प्राइमरी कहते हैं सेकेंडरी की प्राइमरी की के अलावा जितनी भी की होती है उसको सेकेंडरी की कहते हैं फॉरन की अगर कोई प्राइमरी की किसी एक टेबल में है और वही किसी और टेबल में मौजूद है तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगी आपकी फॉरेन की तो वही इसमें पूछा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो आंसर क्या होगा आपका बी इज अ फॉरिन की नेक्स्ट एवरी बाईस कोड नॉर्मल फॉर्म इज अब देखिए नॉर्मल फॉर्म बताएगी आपकी क्या होता है कैसे होता है ये तो नॉर्मल फॉर्म अगर आपने पढ़ी हो जिसकी अपन बात करें लाइक लाइक फर्स्ट एन एफ सेकेंड एन एफ थर्ड एन एफ और बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है उसकी डेफिनेशन ये कि ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो इसमें बताया गया था कि यह क्या होना चाहिए आपका दैट इज फर्स्ट एन एफ और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए पार्शियल डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए किसके अंदर जो आपकी की है उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं NF, होना चाहिए थर्ड एन एफ ये फर्स्ट एन एफ होना चाहिए टू एन एफ होना चाहिए और साथ में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए ठीक है तो एवरी बायस कोड नॉर्मल फॉर्म इज और कोड नॉर्मल फॉर्म की अगर अपन बात करें बी सी एन एफ तो उसमें सुपर की सुपर की मतलब इट शुड बी अ की इन एवरी फंक्शन की एल एच एस मस्ट बी अल एच एस जो होता है वो क्या होना चाहिए आपका सुपर की होना चाहिए तो ऑल ऑफ द अबो तो बायस कोड नॉर्मल फॉर्म एक तो आपका थ्री एन एफ तक होना चाहिए मतलब फर्स्ट एन एफ सेकेंड एन एफ थर्ड एफ सारे होने चाहिए प्लस एवरी लेफ्ट साइड जो आपका होता है एट्रीब्यूट वो क्या होना चाहिए सुपर की होना चाहिए इसका मतलब ये तीनों तो आपका होगा ही होगा मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए डी ऑल द अबो द पेडालॉजी मीन्स देखिए ये पेडालॉजी या पेडागोजी जैसा इसका प्रोनाउंस करते हैं ये पूछा गया है इसका मतलब क्या होता है बच्चों को गाइड करना उसको लीड करना एजुकेट करना अंडरस्टैंड करना तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा के पूरा दिमाग को हिला के रख लेता है कि, कि किसी बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए उसका मानसिक विकास किया जाए ताकि वो आगे बढ़े इसलिए पढ़ाया जाता है तो यहाँ जनरली ये लीड से रिलेटेड आपका आंसर है तो आंसर इज द बी टू लीडिंग द चाइल्ड चाइल्ड को क्या करना लीड करना इसको अपन क्या बोलते हैं पैटाला नाउ पी एस आर एन इस डेवलपमेंट इंप्लाइज इसका मतलब क्या होता है टर्म पी एस आर एन इन डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करें क्या मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी तो इसका आंसर आपका है परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी तो हर किसी का परसेप्चुअल जो स्किल्स है उसको आइडेंटिफाई करना रीजनिंग करना और उसमें निबरे को इंक्रीज करना दैट इज वी कैन से पी एस आर एंड तो इसका आंसर आपका सी होना चाहिए यस सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं वाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर्स इन मीटिंग द इंडिविजुअल डि किसी टीचर्स को अगर अपन अलग अलग बच्चे से अपन मिलाते हैं एक टीचर अगर अलग अलग बच्चे से मिलता है तो उसका क्या रोल होता है ट्राई टू नो एबिलिटी इंटरेस्ट ऐप्टीट्यूड ऑफ द इंडिव्यूजल उसके किया एबिलिटी है क्या उसका इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड लेवल क्या है या फिर ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज फॉर द नीडेड ऑफ़ द इंडिव्यूजल ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासेज को शेड्यूल करना ताकि उसका विकास हो सके वो आगे बढ़ सके तो इसका जनरली दोनों आंसर हो सकते हैं और ऑप्शन भी दे रखें ए और बी वैसे अगर ये ए और बी नहीं दिया होता तो अपन ये ऑप्शन चूज करते हैं सी वी कुछ ऑप्शन हो सकता था लेकिन इसका आंसर जनरली आएगा ए एंड बी बहुत देखिए सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू थिंग्स स्टूडेंट्स किससे स्टूडेंट अगर किसी चीज को नई चीजें पढ़ा रहा है तो एग्जैक्टली exactly क्लियर और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा है तो उसको किससे रिलेट करें ताकि बच्चों को समझ में आ जाए जो बच्चा नहीं जाते उनसे नहीं जो तो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है और वो नया टॉपिक है और उस टॉपिक को मैंने आप जिस टॉपिक को जानते हैं उससे रिलेट कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा ज्यादा समझ में आएगा तो इसको आंसर क्या आएगा बी ऑलरेडी नोन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ट्रू नहीं है ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ग्रोथ होना बायोलॉजिकल प्रोसेस है बिल्कुल बच्चे की जो आपकी ग्रोथ होती है वो एक इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटी प्रोसेस क्या किसी चीज़ का डेवलपमेंट को क्वांटिटी नंबर से आप माप सकते हैं ये कहीं हद तक गलत है नंबर नहीं देख सकते आप एजुकेशन इज अ गुड ओरिएंटेड प्रोसेस बिल्कुल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो एजुकेशन में अपन गोल डिसाइड करके बताते हैं कि आपका ध्येय आपको एक अच्छा पुरुष बनना है या एक अच्छा इंसान बनना है आपको सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस यस लर्निंग uh, से अपन व्यक्ति के बिहेवियर में क्या कर सकते हैं चेंज uh, कर सकते हैं क्या ये ट्रू है यस इट इज अ ट्रू तो अपन कह सकते हैं डेवलपमेंट इज अ क्वान्टिटिटी प्रोसेस इट इज अ रॉन्ग ये आपका थोड़ा सा गलत है बाकी सब लगभग सही लग रहे हैं तो बी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर देखिए लॉजिकल डेटावि स्ट्रक्चर अगर आप पढ़े होंगे तो देखेंगे तो रिलेशनल टेबल फॉर्म एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है ट्री फॉर्म एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है आपस में सारे की कनेक्टिविटी जो नेटवर्क फॉर्म है वो है लेकिन चैन टाइप का कोई नहीं दे रखा तो ए इज अ अग आंसर इज नो लाइक अ अ सच रिलेशन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दैट स्टोर इक्वेशन अबाउट द डेटा इन अ डेटा ठीक है तो किसी क्वेश्चन को रखना तो क्वेश्चन जनरली अपन किस में लेते हैं क्वेरी में तो इसका आंसर क्या होगा सी टेबल में तो डेटा होता है फॉर्म्स के अंदर होती हैं सारी report के अंदर आउटपुट होता है लेकिन query क्या करती है अगर लिखा तो क्या आएगा ये तो कुछ फंक्शन है आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके आ सकते हैं द डेट वैल्यू ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक जो सिस्टम में आपकी इंफॉर्मेशन उससे डेट बताएगा डेट बताएगा तो ये कहीं हद तक सही है ये डेट बताता है टाइम वैल्यू नहीं टाइम वैल्यू नहीं बताता अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक डेट वैल्यू भी बताता है ये टाइम वैल्यू ही नहीं बताता है टू डेज डेट एंड टैक्स फॉर्मेट नहीं इज अ टैक्स फॉर्मेट ये नहीं बताता है सिंपली डेट फॉर्मेट बताता है इन द सिंक्रोनाइज जो आपके सिस्टम की क्लॉक होती है उसकी वैल्यू तो इसका आंसर क्या होना आपका Next, will, uh, you, you see, चाहिए आपका ए नेक्स्ट विच फंक्शन विल यू सी यूज टू रिटर्न द करंट टाइम अब अपन को टाइम चाहिए तो अपन ने डे से तो डेट देखा था टाइम चाहिए इन अ वर्कशीट सेल वर्कशीट सेल में अगर अपन को टाइम चाहिए तो कौन सा फंक्शन अपन यूज करेंगे तो टाइम के लिए अपन सीधा नाउ यूज करते हैं टाइम यूज नहीं करते हैं करंट टाइम यूज नहीं करते हैं टू तो अपन ने देखा ये आपका डेट के लिए यूज होता है जो कि सिस्टम की क्लॉक से लेता है तो अपन क्या यूज करेंगे नाइन आंसर क्या होना चाहिए आपका बी नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल कैटेगरी ऑफ नंबर टैब इन फॉर्मेट सेल्स फॉर्मेट सेल के अंदर जो नंबर टैब होता है उसकी बात कर रहे हैं डायलॉग बॉक्स कैन बी टू अप्लाई द फॉर्मेट लाइक कोड कोड फोन बोथ नॉन ऑफ दिस तो देखिए जो नंबर टैब होता है आप किसी भी नंबर की वैल्यू को जिप कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं फोन नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका मतलब बोथ ए एंड बी तो आपके आंसर क्या होंगे ए एंड बी दोनों आपके सही आंसर है नेक्स्ट यूनिवेक uh, ये सबसे पहला प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था जो आपके कंप्यूटर की जनरेशन हुई थी इसका फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या होती है यू फॉर यू एन का मतलब होता है यूनिवर्सल यू एन आई वी का मतलब ए का मतलब आपका होता है ऑटोमेटिक और सी का मतलब होता है कंप्यूटर बाकी सारा आपके क्या है गलत आंसर है तो ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर किसी कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं ए एल यू को मेमोरी को सीपीयू को कंट्रोल नहीं एल यू होता है आर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है दैट इज नोन एज अ ब्रेन ब्रेन किसका कहलाता है आपका कंप्यूटर का सो इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर मेन मेमोरी पूछा है मेमोरी दो प्रकार की पूछी होती तो प्राइमरी और सेकेंडरी होती लेकिन मेन मेमोरी दो प्रकार की होती तो आपको पता है रेम एंड रॉम रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी ये दोनों क्या है आपकी मेमोरी है तो आंसर विल बी द सी नेक्स्ट अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर द डेटा अ कंपो कंपन सेट फॉर द डिफरेंट इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा इज अब देखिए आप अगर मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं तो डेटा बहुत स्पीड से आ रहा है लेकिन आपकी स्पीड देखने की तो वही रहेगी तो जो स्पीड से डेटा आ गया उसको कहाँ रखेंगे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा तो आप बोलोगे सर उसको बफर में रखेंगे ताकि मैं उसको इजीली अपने टाइम के अकॉर्डिंग यूज कर पाऊँ तो इसका आंसर क्या होगा बफर तो कंपन कर सकते हैं अपन डेटा को उसमें स्टोर करके अगर डेटा कम आ रहा है तो स्टोर कर लेगा वो और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा देखना फिर जैसे वो भर जाएगा फिर आपको डेटा को शो करेगा बहुत स्पीड में आ रहा है तो भी स्टोर कर देगा और जैसे आप जब उसको यूज करोगे तब तो अपने अब आपके पास वो डेटा आ जाएगा तो ये क्या आंसर होना चाहिए इसका बी नेक्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आईसीटेड टू द दिथ जनरेशन देखिए फर्स्ट जनरेशन में अपन वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थर्ड में अपन आईसी यूज करते थे इसमें वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं अल्ट्रा वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे फिफ्थ जनरेशन में तो आईसी पूछा है आईसी किस जनरेशन में आपका यूज होता है थर्ड जनरेशन में तो देखिए थर्ड जनरेशन में आपका आईसी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा uh, जो डिजिटल एनालॉग दोनों हो उसको हाइब्रिड कहेंगे तो यस yes. जो दोनों पे काम करें एनालॉग वैल्यू पर भी काम करे और डिजिटल वैल्यू पर भी काम करे दोनों वैल्यू पर काम करे उसको अपन क्या बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर एली ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम एलयू कौन से कमांड को रिस्पॉन्स करती है कहाँ से कमांड आते हैं जिसको एलयू जो आपका कमांड को यार आर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट तो आपने देखा होगा जो सी होता है उसमें तो ए एल यू होता है और एक होता है सी यू कंट्रोल यूनिट तो ये किस कमांड सारे कंप्यूटर के अंदर सारे कमांड कौन कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट तो इसका आंसर होना चाहिए बी कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंप्यूट Compilation process. Compilation process के अंदर आपकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं तो अगर आपने कंपाइलर पढ़ रखा हो BITEK के अंदर तो उसमें lexical, syntax, uh, syntax analysis and code generation, तो उसमें ये आपकी होते हैं तो answer will be the C. Next, अब थोड़ा बाइनरी नंबर का तो कुछ न्यूरिटल टाइप ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आ, अच्छे से देखते हैं binary edition, -bit number. ये, -bit number है, ये भी आठ बिट नंबर है विदाउट एनी कैरी ये आंसर क्या होगा देखते हैं तो बाइनरी एडिशन कैसे होता है जैसे ये जीरो जीरो ऐड करते तो जीरो आता है जीरो प्लस वन एड करते तो वन वन प्लस जीरो करते हैं तो वन प्लस वन आपका होता है 1, 0, जिसको बोलते हैं टू इसमें आएगा जीरो और वन क्या आएगा आपकी कैरी तो ये आएगा जीरो और कैरी कितनी आएगी आपकी वन एडिशन करते हैं अपन पहला नंबर क्या रखा है वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो दूसरा नंबर क्या देखा है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो तो देखते हैं अपन ऐड करते हैं एडिशन को परफॉर्म करते हैं देखिए क्या आएगा जीरो और जीरो कितना होगा जीरो वन और जीरो वन जीरो और वन 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 और वन आपका टू होता है टू का जीरो कैरी कितनी आएगी आपकी वन वन और वन और प्लस जीरो वन वन और वन 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 और जीरो और वन वन और वन और वन आपका टू होता है जीरो कैरी कितनी आएगी आपकी वन तो आज आंसर क्या होना चाहिए ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो डबल वन जीरो तो आंसर बी होना चाहिए तो देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने बताया अभी और एक वीडियो आप देख लीजिएगा नंबर सिस्टम में उसमें बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन साइन मैग्नीट्यूड नंबर सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर इसके दो तीन तरीके हैं एक ट्रेडिशनल तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे पाँच लिखा मैंने इसको मैं दो से डिवाइड करता रहूंगा सबसे पहले आपका दो से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा आपका दो 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 रिमाइंडर कितना बचा आपका वन बचा फिर दो से डिवाइड देखो ये दो आया सॉरी ये आ, कुछ गलत किया है मैंने एक बार चेक कर लेते हैं क्या गलती की देखिए दो से डिवाइड करेंगे तो वन बार जाएगा सॉरी टू बार जाएगा और दो दूनी चार रिमाइंडर क्या बचेगा आपका वन ऊपर से उतारा ने क्या उतारा फाइव तो पंद्रह आया तो कितनी बार जाएगा सेवन बार तो रिमाइंडर क्या बचता वन फिर पंद्रह कितनी बार जाएगा सेवन बार तो टू सेवेंटी सेवन मैंने गलत लिख दिया था सॉरी और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका वन अगेन टू से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा वन फिर आपका ये आया ये कितनी बार जाएगा आपका टू के टेबल से थ्री टाइम्स वन रिमाइंडर बचा तो आपका एट टाइम्स रिमाइंडर क्या बचेगा आपका वन तो वन थर्टी एट रिमाइंडर कितना बचा आपका वन ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर टू से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा आपका सिक्स टाइम और नाइन्थ टाइम रिमाइंडर कितना बचेगा आपका जीरो फिर टू से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा थ्री टाइम और फोर टाइम रिमाइंडर कितना बचेगा आपका वन फिर टू से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा टू से डिवाइड करेंगे वन टाइम्स और सेवन टाइम रिमाइंडर कितना बचा जीरो फिर टू से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा आपका एट टाइम्स रिमाइंडर कितना बचा जीरो फिर टू से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा फोर बार रिमाइंडर जीरो सॉरी यहाँ रिमाइंडर वन आएगा एट दूनी सिक्सटीन होता है और यहाँ पे रिमाइंडर वन बचेगा दिखा अपन ने वन ना टू को एट से uh, डिवाइड करेंगे तो फोर टाइम जाएगा रिमाइंडर वन अगेन टू को अपन फोर से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा टू बार रिमाइंडर कितना बचेगा ज़ीरो अगेन टू को डिवाइड करेंगे वन बार रिमाइंडर कितना बचेगा 0 फिर नीचे से ऊपर आप लिख लीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा वन ट्रिपल ज़ीरोन वन ज़ीरो वन लॉन्गेस्ट वे शॉर्टेस्ट वे की बात करें तो so देखिए आपके बिट होती हैं कुछ पहले तो पाँच सौ पचपन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट का उपयोग करना पड़ेगा तो so देखिए अगर मैं बिट की बात करूं तो आपकी एक बिट होगी एक बिट ये दो बिट ये तीन बिट चार बिट पाँच बिट छः बिट सात बिट आठ बिट ऐसी अलग अलग बिट वाली होती हैं ये जीरो इसके वाली होती है वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर फिर और आगे मैं बिट बढ़ा देता हूँ सिक्सटी फोर के बाद आपका आता है वन ट्वेंटी एट देन टू फिफ्टी सिक्स ठीक है अगर सम की बात करो तो कितनी बिट होगी एक बिट दो बिट तीन बिट चार बिट पाँच बिट छः बिट सात बिट आठ बिट नौ बिट और दस बिट आपकी टोटल होगी इसमें कितनी की कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस अगर मैं सम की बात करूँ तो अगर दस बिट का सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा टू की पावर आपकी इलेवन करके माइनस वन कर दूंगा तो मैक्सिमम इन सब की दसों बिट का सम कितना हो जाएगा ये पूरा समा जाएगा क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा बताता हूँ अगर मैं आपको बोलूँ कि स्टार्टिंग की जो दो बिट है इनका मुझे सम चाहिए तो कितना आएगा देखिए इनिशियल जो बिट होती है कि टू की पावर ज़ीरो और टू की पावर वन तो टू की पावर ज़ीरो जो या मैंने यहाँ पर आ ये गलत लिखा है इसको मुझे सही करना पड़ेगा एक बार फिर से कर लेता हूँ ये ज़ीरो मैंने एक्सा लिख लिया था की पावर ये सही है की पावर ज़ीरो लिखना था की पावर ज़ीरो की वैल्यू आपकी होती है वन टू की पावर जीरो की वैल्यू होती है आपकी टू की पावर जीरो की वैल्यू होती है आपकी वन टू की पावर टू की की पावर वन होता है टू टू के बावर टू आपका होता है फोर टू के बावर थ्री होता है आपका एट टू के बावर फोर होता है एंड ऑन है ना ऐसे नंबर लिख रहे थे और यहाँ पे एक और नंबर लिख लेता हूँ पाँच सौ बारह ठीक है तो ये टोटल कितनी बिट आ गई आपकी दस बिट तो आपको अगर पाँच सौ पचपन शो करना है तो पाँच सौ बारह तो आपको लेना पड़ेगा तो पाँच सौ बारह मतलब इस बिट को बंद कर दिया इस बिट को बंद कर दिया तो पाँच सौ पचपन में से आप पाँच सौ बारह को हटा दें कितना बचा तीन और चार फोर्टी थ्री आपको चाहिए तो 43 कैसे ले सकते हैं 43 लेने के लिए आपको एक तो 40 चाहिएगा तो देखिए यह वाली ये वाली बिट ये कौन सी बिट है जीरो बिट आपने लिए बत्तीस फिर इसको लिया जीरो फिर इस बिट को लिया एट बत्तीस फिर आठ फिर इस बिट को लिया जीरो फिर वन वन फिर दो और फिर एक देखिए कितना होता है आठ और दस तीन तेरह और एक तेयलिस तो फोर्टी थ्री आपका आ गया तो इस तरीके से आप बिट को अरेंज करके भी कर सकते हैं आपको समझ में आए तो ये ठीक है नहीं तो आप नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को देख सकते हैं अदरवाइज इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल लगे नेक्स्ट इन अ कंप्यूटर सब्सट्रक्शन इज जनरली कैरीड आउट तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट से आपका होता है तो आंसर विल बी डी नाउ वॉन न्यूमेन आर्किटेक्चर वन न्यूमन आर्किटेक्चर बताया गया है जो सबसे पहले किसी कंप्यूटर में जब आपकी मेमोरी डाली गई थी तो जिस आर्किटेक्चर को अपन ने क्या बोला था वन न्यूमैन आर्किटेक्चर यहाँ एस का मतलब होता है सिंगल एम uh, का मतलब होता है मल्टीपल आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन और डी का मतलब होता है डेटा ठीक है सिंगल मल्टीपल ये सब अलग अलग इंस्ट्रक्शन और डेटा के बारे में बताया गया है तो देखते हैं तो ऐसा ही एस आई एस डी सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा तो वो न्यूमेन आपका इसी आर्किटेक्चर पे काम करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पे नहीं होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा नहीं होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा नहीं होता है तो so, ये एस आई एस डी जो आर्किटेक्चर होता है उसके ऊपर ही क्या करता है काम करता है नेक्स्ट इन साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी डिविजन साइन मैग्नीट्यूड बता रहा है डिवाइडेंट जिसको अपन को क्या करना है भागित करना है वन 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 ट्रिपल जीरो बाय डिवीजन क्या है वन जीरो भाग देना है और लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड नंबर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर तो जीरो का रिप्रेजेंट होता है प्लस से और नेगेटिव रिप्रेजेंट होता है आपका माइनस से ठीक है तो ये नंबर ये नंबर में अगर ये फर्स्ट वाली बीट आपकी माइनस है इसका मतलब इसका मतलब तो ये हो गया नेगेटिव और दूसरी वैल्यू क्या है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो कितना होता है मैंने अभी आपको बताया ये होता है वन ये टू ये फोर ये आपका कितना होता है एट आठ चार बारह ये कितना हो गया माइनस का बारह इसको डिवाइड करना है किस से इसको मुझे डिवाइड करना है वन डबल जीरो डबल वन से तो ये वन तो नेगेटिव हो गया डबल जीरो डबल वन तो डबल वन कितना हो गया ये हो गया वन ये टू तो कितना हो गया आपका तीन माइनस का तीन तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट जब तीन को चार से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका फोर फोर को मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है तो फोर कैसे लिखते हैं अपन जीरो जीरो, वन, जीरो और आगे मैग्नीट्यूड जीरो तो आपका इसका आंसर आना चाहिए डबल जीरो, जीरो। तो गड़बड़ करी नहीं नहीं सही है आ, यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए अपन डिवाइड कर रहे हैं जब माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो मैग्नीट्यूड गलत होना चाहिए तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है आप प्लीज इसको मैं भी एक बार फिर से चेक कर लूंगा कि साइन मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए साइन मैग्नीट्यूड आपका एक तो पॉजिटिव आना चाहिए क्यों क्योंकि तो आपने किसी माइनस नंबर को माइनस से डिवाइड किया तो दोनों में मैग्नीट्यूड क्या आपका माइनस माइनस है तो अगर रिजल्टेंट देखा जाए अगर दोनों माइनस माइनस कट रहे हैं तो आपका आ सकता है प्लस का चार लेकिन अगर को साइन मैग्नीट्यूड को मेंटेन करना है माइनस बारह को माइनस तेरह से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा तब वहां जाके वो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव में तो जब आप साइन को काटेंगे तो यहाँ पर जीरो आना चाहिए अगर साइन को नहीं काटेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वन तो ये दोनों नंबर सेम है बस फर्क क्या है ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है तो अगर मैं बोल दूं कि आप पांच को चार से पांच सॉरी आप पंद्रह को पांच से डिवाइड कीजिए तो तीन बार जाएगा पंद्रह नेगेटिव है और पांच आपका नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर अगर साइन मैग्नीट्यूड मेंटेन करना है तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर और मैग्नेट मेंटेन नहीं करना है तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फिर भी इसको मैं एक बार और चेक करके आई विल पुट ऑन दिस तो आंसर जनरली अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो ये होगा और नहीं करेंगे तो आपका फर्स्ट वाला होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द सी पी यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट टू बी अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं सिस्टम मोड में आपका होता है तो आंसर बिल दो बी सिस्टम मोड नेक्स्ट एन एड्रेस इन द मैन मेमोरी इज कॉल्ड मैन मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होता है उसको अपन जनरली फिजिकल एड्रेस बोलते हैं तो आंसर विल बी द ए लॉजिकल एड्रेस मैन मेमोरी का एक काल्पनिक एड्रेस होता है मेमोरी uh, एड्रेस जो होता है आपका है वो ट्रैक uh, एड्रेस होता है सेकेंडरी मेमोरी का वर्ड एड्रेस ये नंबर वैल्यू के होता है जनरली वैसे कभी यूज करते है नहीं अपन द स्वैप स्पेस स्वैप स्पेस जनरली व टेम्पररी स्पेस जहाँ पे किसी डेटा को टेम्पररी स्टोर किया जाता है प्रोसेसर द्वारा इन डिस्क इज यूज टू किस लिए यूज करते हैं सेव द प्रोसेस डेटा पहला ही आंसर इसका सही लग रहा है प्रोसेस डेटा को सेव करने के लिए सेव द टेम्प्रेरी एग्जाम्पल पेजेस ये भी आपका सही हो सकता है क्या टेम्पररी पेजेस जो है उसको स्टोर करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं स्टोर द डिवाइस ड्राइव नहीं स्टोर द सुपर ब्लॉक नहीं जनरली स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपका ए से लग रहा है एक्सएमएल पेजेस को स्टोर नहीं करते हैं टेम्प्री केवल सीधा अपन इसको यूज करते हैं तो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एटी सेवन आउट ऑफ द पेजेस अपन ने टोटल अब तक एटी सेवन क्वेश्चन जो है वो देख लिए हैं है ना मुझे कैसे पता चला देखिए स्लाइड नंबर एटी सेवन है पे एक क्वेश्चन है तो एटी सेवन क्वेश्चन अपन देख चुके हैं टोटल अपन हंड्रेड क्वेश्चन को आ, देखेंगे सो आउट ऑफ दिस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विच ऑफ सफर फ्रॉम द बेलीस एनोमली तो बिलाईडी एलोमली सॉरी बिलाईडी एलोमली का मतलब क्या है जब आपका इनपुट ये मैंने बताया भी था जब मल्टीपल सोर्सेज हो और मल्टीपल आपका अपन कह सकते हैं सर्वर्स हो आपका इनपुट डेटा मल्टीपल आ रहा है या अपन कह सकते हैं मल्टीपल सोर्स हो और मल्टीपल प्रोसेस हो इनको अपन को क्या करना है डेटा को सोर्स को क्या करना है लोकेट करना है तो बहुत सारे आपके मल्टीपल सोर्सेज आएंगे तो मल्टीपल प्रोसेस को जब अपन डेटा अलोकेट करेंगे तो कुछ डेटा फॉल्ट हो जाएगा फॉल्ट मतलब कुछ रिक्वेस्ट हैं कुछ रिसोर्सेस हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी फॉल्ट हो जाएंगी मतलब आ, वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी अलोट नहीं होंगी तो उस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं बिलेडी एनोमोलीस तो बिलेडी एनोमोलीस जो होता है वो इस प्रॉब्लम से अपन की सफर होती है उसके लिए कौन सा होता है तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो जो आपकी प्रेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ है उसके अंदर जनरली प्रॉब्लम आती है तो आप देखेंगे तो जनरली पता चलेगा तो ये आ, आ, आंसर विल बी आपका इसका होना चाहिए बी नेक्स्ट एंड इंक्रीमेंट सॉरी इंक्रीज इन कंप्यूटर रैम लीड टू बी टिपिकल इंप्रूव द परफॉर्मेंस बिकॉज प्यवर पेज फॉल्ट अकरेंस वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज ये रैम का मतलब क्या होता है अपन मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे अपना स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है क्या ये आंसर हो सकता है या फ्यूअर पेज फॉल्ट अक्कर सी ये हो सकता है फ्यूअर सेगमेंट इज फॉल्ट अक्कर या फिर लार्ज इज फास्टर तो फास्टर तो है ये भी आंसर आंसर आपको सही लग रहा है सारे सही लग रहे हैं तो सारे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा वो लिखेंगे तो जैसे रैम बढ़ेगी तो मल्टीपल रिसोर्सेज आएंगे तो मल्टीपल प्रोसेस को अपन क्या करेंगे अलॉट कर पाएंगे रैम से तो रैम कैन हैंडल मल्टीपल इनपुट रिसोर्सेज या इनपुट रिक्वेस्ट तो फॉल्ट जो होगा वो बहुत कम होगा कोई भी मिस नहीं होगा रैम ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रोसेस को अपन होल्ड कर पाएंगे तो ये अपन किसके लिए बोल रहे हैं ओ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज मोर सुटेबल वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज नहीं कह सकते हैं अपन फ्यूअर सेगमेंटेशन फॉल्ट अकरेंस ये भी अपन कह सकते हैं पर सेगमेंटेशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है लार्ज रैम फास्टर फास्टर तो ये भी ऑप्शन सही है तो बट इट इज ए एसोसिएट देखिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबो होता तो भी अपन लिख सकते थे पर ऑप्शन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट

मेमरी को तो उसको अपन थ्रेशिंग कहते हैं तो ये ओएस के टर्म्स है और ये आपका करेक्ट आंसर है वोल्ड को पॉपअप का नहीं कहते हैं प्रोसेस ऑन द सिस्टम आर रनिंग स्टेट नहीं कहते हैं तो प्रोसेस ऑन द सिस्टम आर इन द वेटिंग स्टेट ये भी नहीं कहते हैं द आंसर इज ए चलिए अब थोड़े गणित वाले सवाल आ गए कुछ दस एक प्रश्न जो हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं तो इनको देख लेते हैं फिर ये पेपर जो आपका वो खत्म हो जाएगा तो देखती है क्या क्या पेपर है आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या दे रखा है

तो मार्किंग प्राइस पे अगर अपन डिस्काउंट देंगे तो अपने पास क्या है तो ट्वेंटी है छह सौ किसके बराबर है छ सौ आप बोलोगे अस्सी के बराबर है तो सेलिंग प्राइस सौ किसके बराबर होगी तो एक पूछ क्या रहा है वाट इज द मार्किंग प्राइस एम पी पूछ रहा है मार्किंग प्राइस पूछ रहा है तो सौ निकालना है देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया चार के पहाड़ से ये दो बार चार आ, चार के बारे चलो इसको काट लेते हैं बचा तो तो ये बार, दो के से ये बार, और ये बार बार के बारे से और आपका आ, गया तो ये आ गया गया ठीक है कितनी आपकी नाइन हंड्रेड अगर ये सीपी पूछता सी पी पूछता इसका मतलब अपन कह देते हैं कि ये अपन को कॉस्ट प्राइस पूछता क्रय मूल्य अगर ये पूछता अपन ने मार्केट मूल्य निकाल दिया क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य तो अपन निकाल सकते थे सेलिंग प्राइस अपन को दे रखिए सेलिंग प्राइस आपका 120 परसेंट प्रॉफिट है तो 600 किसके बराबर है एक के बराबर अगर सौ रुपए की कोई चीज है उसको आप 120 में पहुंचोगे तभी तो 20 परसेंट प्रॉफिट होगा तो 120 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगी इसको आप सॉल्व करेंगे छ के पड़ोसी सौ बार छ के पड़ोसी बीस बार दो से दो कट गया दो से पांच बार तो आपका पांच सौ रुपये क्या आ जाएगा इट इज योर सेलिंग प्राइस तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नाइन विल बी द दूअर वी कैन से मार्केट प्राइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ अ शॉपकीपर बाय एट द रेट ऑफ एट रुपीज फाइव ऑरेंज आठ रुपए के पांच ऑरेंज ये रुपीज है ये क्वांटिटी है तो आठ रुपए के ये क्या लिया इसने आठ रुपए के आपके पांच ऑरेंज लिए है ना हाफ ऑफ इट इसके आधे आधे कितने में बेचे ये बोल रहा है कि आधे इसके बेचे हाफ ऑफ द ऑरेंज आर सोल्ड एट द रेट ऑफ थ्री रुपीज टू तीन रुपए में इन्होंने दो बेचे और दूसरे जो आधे बचे उनको कितने में बेचे रेस्ट ऑफ हाफ रेस्ट एट द रेट ऑफ फाइव रुपीज पाँच रुपए में कितने बेचे तीन ऑरेंज तो देखिए आधे आधे मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए लेकिन यहाँ तो क्वांटिटी अलग लग रही है तो इन दोनों की क्वांटिटी को सेम कर देते तो सेम कैसे करेंगे इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो इसको दो से कर दो ये तीन इससे मल्टीप्लाई किया दो इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आएगा नाइन यहाँ पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा फिफ्ट, आ, और यहां पर कितना आ जाएगा शिक्स. तो देखो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी इसका मतलब उसने अगर बारह संतरे खरीदे होंगे तो उसने कितने में बेचे उन्नीस रुपए में हाफ बेचे छह संतरे नौ रुपए में और बाकी छह संतरे उसने कितने बेचे दस रुपए में अब ये आपकी टोटल सेल क्या किया उन्नीस रुपए में बारह सेल किए तो वो उन्नीस रुपए में बारह चीजों को क्या कर रहा है सेल कर रहा है अब क्या बोल रहा है अ शॉपकीपर बाय द रेट ऑफ ऑरेंज आठ रुपए में पांच ऑरेंज उसने क्या किए खरीदे हैं तो अपन को क्या करना है देखिए यहाँ पर अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि, कि किसको अपन वो करना चाह रहे हैं या मैं कह सकता हूं कि, कि किस वैल्यू को अपन इक्वल करना चाह रहे हैं अपन प्राइस को इक्वल करें या क्वांटिटी को, करें? तो यहां तो करें या को करें? इक्वल करें तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी को इक्वल करना है क्योंकि आधे इतने बेच रहे हैं आधे क्या करें इतने बेच रहे है. तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी बारह तो बारह की ही क्वांटिटी निकालेंगे कि बारह जो संतरे थे उसको कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा तो बारह इसको इक्वल uh, करने के लिए अपन क्या करेंगे क्वांटिटी को इक्वल करना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो तो पांच से मल्टीप्लाई तो से से करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? Uh, 96. अब पांच से होगा तो साठ पांच आपका जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो साठ आ जाएगा और पांच जब उन्नीस से मल्टीप्लाई होगा तो पचास और पैंतालीस नाइनटी इसका मतलब वो जो आपका तो नाइन्टी सिक्स रुपए है कितनी साठ संतरों की और सेलिंग प्राइस आ, कितनी आ रही नाइनटी फाइव कितनी साठ संतरों की तो साठ संतरों को बेच रहा है पंचाण रुपए में और साठ संतरों को खरीद रहा है कितने रुपए में आ, 90, एक नाइन्टी सिक्स में तो लॉस कितना हो, हो रहा है एक लॉस कितने पे लॉस हो रहा है लॉस कितना होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है तो एक रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे नाइनटी सिक्स रुपीज पे परसेंटेज निकालना है तो आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया हंड्रेड अपॉन नाइनटी सिक्स इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन इसी में दे रखे हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर तो हंड्रेड अपॉन आपका नाइनटी सिक्स इज द करेक्ट आंसर आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो अब मैथ्स के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सब पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आफ्टर सिक्स ईयर दूसरा क्वेश्चन अपना है पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं

तो आपका अनुपात आएगा दस अनुपात पंद्रह ये हमेशा आपको याद रखना है कैसे ये जो ए के साथ वाला जो अनुपात होगा वो बी का होगा और बी के साथ वाला जो होगा वो ए का होगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा टू अनुपात तीन फिर क्या पूछ रहा है आफ्टर टू ईयर्स अगर दो साल के बाद ये तो टोटल छह साल के बाद की बात कर रहे हैं दो साल के बाद अगर इनकी आयु का योग बावन है फिफ्टी टू है ठीक है तो हाउ मेनी ईयर्स बी बिकम फोर्टी वन बी इकतालीस साल का कितने साल बाद बन जाएगा ये आपको पूछा गया इकतालीस तो साल बाद कितने साल का बनेगा तो निकालते हैं सबसे पहले एक की छह साल बाद की एज निकाल लेते हैं तो यहां से यहां तक ये बावन है दो साल कितने साल बचे चार साल तो चार साल में एक की भी एज चार बढ़ेगी बी की भी एज चार बनेगी टोटल तो कितनी बढ़ेगी आठ साल फिर तो टोटल कितना आ गया आपका साठ साल साठ साल किसके बराबर है पांच के बराबर है तो अब उन्होंने क्या निकालना है बी की एज बी मतलब तीन बारह बार भारतीय छत्तीस तो छह साल बाद बी की एज कितनी है है तो साल पहले बी की एज कितनी होगी अब उनको क्या चाहिए इकतालीस होगी तो ग्यारह साल बाद तो आपका आंसर क्या होगा इलेवन ईयर्स सो आफ्टर इलेवन ईयरस द एज ऑफ बी विल बी बिकम्स आपका कह सकते हैं फोर्टी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप देख सकते हैं इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं आंसर सी देखिए इसका इन अ बैग ऑफ रेशियो ऑफ द काइंस अब कॉइंस uh, का रेशियो दे रखा है कॉइन कौन कौन से दे रखे हैं आपके एक रुपए का कॉइन है फिफ्टी पैसे काइन है और पच्चीस पैसे का कॉइन है अब कॉइन का रेशियो क्या है तीन अनुपात पांच अनुपात चार टोटल अमाउंट दे रखा है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव अब कॉइन का रेशियो से अगर अपन को ये तो आपका कॉइन का रेशियो दे रखा है मनी का रेशियो निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पैसा आ जाएगा तीन सिक्के एक रुपए के तो तीन रुपए हुए पांच सिक्के पचास पैसे के तो कितने रुपए हुए आपके टू पॉइंट फाइव ढाई रुपए क्योंकि दो सिक्के में एक रुपए होता है पांच सिक्के में आपके ढाई रुपए और ये आपका कितना होगा एक रुपए ठीक है तो कितना हो गया आपका आ, टोटल आपका हो गया आ, तीन आ, आपका हो गया एक दो तीन चार पाँच छः छह रुपए सिक्स पॉइंट फाइव फिर से अपन चेक कर लेते हैं क्या ये सही है गलत है Uh, क्या दे रखा है एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ uh, एक रुपये के जो कॉइन दे रखे हैं आपको पचास पैसे के कॉइन दे रखे हैं और पच्चीस पैसे के कॉइन्स दे रखे हैं तो एक रुपये के कॉइन्स आपको कितने दे रखा है तीन पचास पैसे के कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको पाँच और uh, uh, जो आपको पच्चीस पैसे के कॉइन कितने दे रखे हैं आपके चार तो देखिए कभी कभार जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनके ऑप्शंस में भी अगर आपको कोई गड़बड़ी मिल जाए तो उससे भी आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है तो ऑप्शंस भी आपके सही होने चाहिए नहीं तो इसके क्वेश्चंस में जो जितने भी आंसर्स हैं आपके मतलब कह सकते हैं सॉल्व करते टाइम जितने भी फॉर्मूलेशन बन रहे हैं वो भी आपके क्या हो सकते हैं गलत हो सकते हैं तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी फॉर्मूले या जो कॉम्बिनेशनस हैं वो आपके क्या हों गलत ना हो तो देखते हैं क्या क्या है अपन कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की चलिए तो ये अनुपात दे दिया अनुपात कभी सिक्कों का दिया होता है और कभी आपको अनुपात दे रखा होता है पैसों का तो यहाँ पर इनिशियली आपको अनुपात किसका दे रखा है अनुपात आपको इनिशियली दे रखा है सिक्कों का अब को क्या निकालना है उससे पैसों के वैल्यू निकालना है और उस पैसों के वैल्यू से अपन को क्या करना है उसको सॉल्व करना है तो चलिए करते हैं फिर से वही क्वेश्चन दोहराते हैं किस तरीके से आएगा कैसे आएगा देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर एक रुपए के पचास पैसे के और पच्चीस पैसे के सिक्के दे रखे हैं एक रुपये के तीन सिक्के पचास रुपये के पचास पैसे के पाँच सिक्के और पच्चीस पैसे के आपके चार सिक्के तक हैं तो पचास पैसे से अगर पाँच सिक्के तो कितना हो गया टू पॉइंट फाइव या चार सिक्के तो एक रुपया तो टोटल कितना हो गया आपका सिक्स पॉइंट फाइव रुपीज़ आपका आ चुका है फिर अगर अपन रेशियो निकाले हैं पैसों का तो टोटल रुपए कितने हैं बासठ पॉइंट पाँच डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट फाइव एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया इसको सॉल्व करेंगे अपन किस तरीके से सॉल्व होगा देखो सॉल करते हैं अपन फाइव के टेबल से अपन इसको काट देते हैं फाइव के टेबल से वन बार थ्री बार फाइव के टेबल से वन बार देन आ, टू बार एंड देन पांच बार तो और ये कटेगा क्या देखते हैं वन ट्वेंटी फाइव सिक्स टू फाइव और तेरह यही जा रहा है एक बार और देखते हैं नहीं जा रहा है क्या चलिए ये आपका नहीं जा रहा है इसमें एक गड़बड़ी और हो सकती है देखिए अगर मैंने अगर इस क्वेश्चन को टाइप करने में गलत कर दिया है तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए तो उससे पूरा हो जाएगा देखते हैं एक बार मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें यहाँ लिखता हूँ मैं चार और यहाँ लिखता हूँ पाँच अगर इनके ऑप्शनस को मैं थोड़े से चेंज करूँ तो आई थिंक बराबर आंसर आपका आ सकता है देखते हैं सॉल्व करके क्योंकि इससे फ्रैक्शन आ रहा है फ्रैक्शन आना नहीं चाहिए तो चार Uh, सिक्के अगर पचास पैसे के होंगे तो आपके हो गए दो रुपये और पाँच सिक्के होंगे मतलब एक रुपये पच्चीस पैसे टोटल कितना हो गया सिक्स पॉइंट टू फाइव हाँ ये सही है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिंग सिंप्लीफाइंग द आंसर आंसर सही आने के लिए मैंने uh, पचास पैसे के कॉइन किए हैं चार और uh, जो पच्चीस पैसे कॉइन है उसको क्या किया पांच. तो है पाँच तो रुपये कितना है सिक्स पॉइंट टू फाइव अभी इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो पैसों का रेशियो कैसे निकालेंगे सिक्सटी टू पॉइंट फाइव टोटल रुपए हैं और अनुपात आ रहा है आ, ये तो यहाँ से इन दोनों को काट के यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा और ये टोटल कितनी बार जाएगा आपका दस टाइम ठीक है तो दस हुआ तो टोटल किसके कितने रुपए हुए दस से मल्टीप्लाई कर दो ये मनी थी आपकी तो यहाँ पर तीस रुपए एक रुपए के सिक्के होंगे देन बीस रुपए आपके आ, पचास पैसे के सिक्के होंगे और अपन यहाँ मल्टीप्लाई करें वन पॉइंट टू फाइव पे तो बारह पॉइंट पांच रुपए आपके किसके सिक्के होंगे पच्चीस पैसे के सिक्के होंगे पूछा क्या है पचास पैसे के कितने कॉइन है तो टोटल पचास रुपए के रुपए कितने बीस रुपए एक रुपए में कितने कॉइन होते हैं दो तो बीस रुपए में कितने कॉइन आएंगे आपके चालीस तो आंसर क्या आना चाहिए आपका फोर्टी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं रेशियो को निकाल के बना के सीधा कर सकते हैं तो कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था बस इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत थे तो मैं ये कह रहा था ऑप्शन जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए सी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द बकेट एक बकेट दे रखी है ए बकेट उसमें मिल्क और, और वाटर का रेशियो दे रखा है दो अनुपात एक दूसरी बकेट दे रखी है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है एक अनुपात तीन एक ये मिक्स बोध द्री रेस्ट दोनों को अपन तीन अनुपात दो में क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं दोनों को अपन मिक्स कर रहे हैं कौन से अनुपात में तीन अनुपात दो में वार द रेशियो ऑफ द मिक्स वाटर जो मिक्स वाटर आएगा अपन इसको तीन अनुपात दो में मिला रहे हैं तो ये जो मिक्स वाटर आने वाला है उसका रेशियो क्या होगा तो इस तरी इसको अपन को परफॉर्म करना है तो देखो कैसे करेंगे आ, अब पहले इन दोनों की क्वांटिटी को एक बार इक्वल कर देते हैं या ए लिखता हूँ ए का अनुपात क्या है दो अनुपात एक यहाँ पर बी का लिखता हूँ ए का अनुपात दे रखा है बी का अनुपात दे रखा है एक अनुपात तीन ठीक है अब इनकी क्वांटिटी को अगर मैं इक्वल करूँ किस तरीके से कर सकते हैं देखिए क्वांटिटी को इक्वल करना है इसको अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर तीन से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं दो से मल्टीप्लाई करूँ या दोनों के सम से अपन मल्टीप्लाई करते हमेशा तीन प्लस एक चार तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा चार से दो प्लस एक तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तीन से देखो नया अनुपात क्या आएगा नया अनुपात आपका का अनुपात आ जाएगा आठ अनुपात चार और बी का अनुपात आएगा आपका तीन अनुपात बारह तो बारह और सॉरी नौ अनुपात तीन तो नौ प्लस तीन आपका बारह होता है और आठ प्लस चार भी आपका बारह है तो, तो ये रेशियो तो आपका सेम आ गया अब क्या बोल रहा है ये देन इसको तीन अनुपात दो में मिला जाता है तो पहली बाल्टी को तीन के अनुपात में मिला जाता है और दूसरी बाल्टी को दो के अनुपात में मिला जाता है इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा ए का जो अनुपात आ जाएगा नई वाली बाल्टी में वो उसमें ए के अंदर जो आपका मिल्क और वाटर उसका है उसका आ जाएगा एट ट्वेंटी फोर और ये आपका बारह हो गया बी का आएगा छः और ये आपका अट्ठारह हो गया ठीक है तो ये तो आपका है मिल्क टोटल मिल्क इन द्यू टोटल वाटर इन न्यू बकेट और बकेट जो है कितना होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा अनुपात तो तो वन, वन तो रेशियो क्या आएगा वन अनुपात तो ये क्या आ गया आपका वन रेशियो वन कैसे सॉल्व किया इन दोनों रेशियो को एक बार इक्वल किया फिर पहली बाल्टी का तीन रेशियो दूसरी बाल्टी का दो रेशियो मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दो अनुपात एक में मल्टीप्लाई होगा पहले तो चार का फिर मल्टीप्लाई होगा तीन का और एक अनुपात तीन में पहले मल्टीप्लाई होगा तीन का फिर मल्टीप्लाई होगा उसका रेशियो का जो आया उसमें पानी मिला दिया और वाटर मिला दिया उसको अनुपात में बांट दिया तो आपका आंसर क्या आएगा वन रेशियो वन आंसर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्सटीन लेटर फ्रॉम द राइट एंड एंड ई एंडी एंड लिखा है दाएं छोर से सोलवे अक्षर के बाएं अठारह अक्षर कौन सा है तो देखिए अगर अपन अक्षर देखें एक दो आ, तीन आ, मैं ए बी सी डी लिख लेता हूं ए बी सी डी ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो दो सेकंड का क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम देन uh, मैं कह सकता हूँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड इसका होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सॉरी ये गलत लिख दिया फोर्टीन उधर से आएगा ये आपको याद भी हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 20, ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी छब्बीस लेटर है। अब क्या पूछ रहे हैं दाएं छोर से मतलब यहाँ से सोलवा अक्षर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, आठवां नौवां, दसवां ग्यारहवा बारवा तेरवा चौदह पंद्रह सोलह ये मेरा लेटर है सोलवा अक्षर दाएं छोर से इधर से के बाएं, बाएं मतलब उसके इधर अठारह अक्षर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह अक्षर क्या है ये वाला उन्नीस उन्नीसवा लेटर तो क्या आएगा उन्नीस उन्नीसवा लेटर ऐसा आएगा कैसे किया एटीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट से लेफ्ट ऑफ द सिक्सटीन लेटर फ्रॉम द राइट राइट right के सोलवे लेटर के अठारवे लेफ्ट लेटर पे इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है था कि आपको समझ में आए से या आपका दाएं छोर ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया एबीसीडी है या आपका छब्बीस लेटर या पहला लेटर तो ये दाया होता है और ये आपका बाया होता है अपना जो हाथ होता है हिंदी में अगर बात करें तो दाएं छोर से सोला के बाएं इसके अगर बाएं बात करें तो ये इसका बाया है ये बाएं अठारवा लेटर बार्थर वाला लेटर निकालूंगा तो मेरा वापस रिवर्स कहाँ जाएगा? 19, 19 में क्या आपका S? आंसर विल बी द S. नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इधर रखा है T E A R S, देन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आपका कन्वर्ट हो रहा है F U B टी एस में आपका ये क्या रहा हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है नंबर लिख लेते हैं टी का नंबर क्या है टी का नंबर देखो बीस है टी मेरा बीस है ई e का नंबर क्या है ई e का नंबर मेरा आ रहा S. Uh, e e मेरा है एस हाँ ई का देखिए ई का नंबर मेरा फाइव है ए का नंबर मेरा वन होता है और आर का नंबर देखते हैं आर का जो नंबर है वो अट्ठारह और एस जस उससे आगे होता है उन्नीस तो ये उन्नीस है टी मेरा बीस है बी मेरा दो होता है और यू जो है वो आपका 21 है और F जो होता है वो आपका 6 है तो यू आपका 21 और F क्या वो आपका 6 तो देखिए कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आपको तो अगर अपन देखें इसमें तो इधर तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ तो कोई आ, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है देखिए यहाँ पर अगर ये देखें तो ये बीस है तो ये इक्कीस है ये पांच है तो ये छ है ये एक है तो ये दो है ये अट्ठारह है तो ये उन्नीस है और ये उन्नीस है तो ये क्या आपका बीस है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बनाते हैं एन ओ आई एस ई -E. ठीक है तो E का क्या था E का आपका पांच है S का क्या है एक S का आपका उन्नीस है I का देखते हैं I का क्या है लेटर नाइन आई ओ का, का लेटर देखते हैं ओ का लेटर क्या है फिफ्टीन ओ का लेटर फिफ्टीन और एन का देखते हैं एन का लेटर कौन सा आपका फोर्टीन फोटी ठीक है तो अभी अपन ने देखा एन के बाद फिफ्टीन लेटर एन के बाद क्या आता है एम एम एन ओ तो यहाँ पर आपका आना चाहिए ओ फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन लेटर एम एन ओ पी तो यहाँ पर आपका आना चाहिए पी आई के बाद ये दसवा लेटर आना चाहिए आई के बाद एक एक्स्ट्रा आना चाहिए क्योंकि ये इससे ये इंसुलेटेड था ये इंसुलेटेड था इससे आई तो का क्या आएगा जे uh, देन ये आपका आना चाहिए बीसवा लेटर पी क्यू आर एस टी यहाँ पर टी आना चाहिए और ई e के बाद आपका आएगा पांच है तो छठा लेटर जो आएगा आपका एफ तो आंसर क्या आना चाहिए पीओ जे एफ टी पी ओ जे एफ टी तो सी आपका क्या है करेंट आंसर ठीक है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके लिए ये टेबल के नंबर जो है आपको याद रखने पड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रेड इज येलो रेड जो है वो है येलो येलो इज ब्लू येलो जो है वो ब्लू है ब्लू इज ग्रीन ब्लू आपका क्या है ग्रीन है ग्रीन इज ब्लैक ग्रीन क्या आपका ब्लैक है एंड ब्लैक इज पिंक और ब्लैक क्या आपका पिंक है एंड वट इज द कलर ऑफ स्काई स्काई का कलर क्या आता है ब्लू और ब्लू को क्या बोलेंगे अपन ब्लू को बोलेंगे ग्रीन तो so क्या होना चाहिए ग्रीन बोलना पड़ेगा तो आंसर विल बी बी ग्रीन तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था प्रिडिक्ट किया अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीस छात्रों की पंक्ति में कोई छत्तीस छात्र आपको दे रखे हैं टोटल छात्र कितने आपके थर्टी सिक्स रेनू नंदनी के दाएं आठवीं है एक कोई रेनू दे रखी है वो नंदनी के दाईं ओर माना कि अगर नंदनी मेरी यहाँ है तो रेणु जो है वो क्या है यहां से यहां तक इसकी जो रैंक है वो क्या है आठवीं है इसका दाया है नंदनी का दाया होगा। तो रेनु नंदनी के दाए तो नंदनी का दाया तो ये होगा है छोर से छोर मतलब ये दाए छोर से चौदवी है तो ये किसके बारे में बात किया रेणु के बारे में तो यहां से यह कितनी है ये आपके चौदवी है नंदनी का इसका छो से कौन सा स्थान है यहां से कौन सा स्थान होगा तो देखिए यहां से यहां तक आठ और यहां से यहां तक ये चौदह है तो आठ और चौदह कितने हो गए बाईस तो टोटल कितने छत्तीस ये मुझे निकालना है तो निकल जाएगा छत्तीस तो माइनस बाईस प्लस वन देखिए आपका आएगा चौथ चो, सॉरी ये आपके गए दो में से छह में से चार दो गए तो चार और एक चौदह प्लस एक बराबर पंद्रह देखिए आंसर इज अभी फिफ्टीन इज अ करेक्ट आंसर ये प्लस वन क्यों किया देखिए लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल्स टू तो अगर टोटल आता है टोटल अगर अगर ये आया तो टोटल प्लस अगर ये रैंक निकालनी है मुझे अगर तो टोटल माइनस में लेफ्ट करूंगा तो राइट आएगा लेकिन उसमें प्लस मुझे वन करना यहाँ पर मुझे प्लस वन करना पड़ेगा यहाँ पर उसमें माइनस वन मतलब क्या मतलब होता है यहाँ देखिए ये मेरा टोटल है और ये मेरी आपकी इसकी राइट से रैंक है उसमें प्लस वन करूंगा तब मेरा क्या आएगा लेफ्ट सरेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये मिडल जो पॉइंट होता है वो दो बार काउंट हो जाता है तो ये आपको पता होगा कि इस तरीके से आपकी वैल्यू जो होती है वो निकाली जाती है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी लेफ्ट राइट वगैरह जो भी आपके एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है पांच मित्र पी क्यू आर एस टी एक मित्र है पी एक है क्यू एक है आर एक है एस और एक है टी का अलग अलग वजन है वजन सबका अलग है एस आर से हल्का है तो एस जो है वो हल्का है किससे आर से पर क्यू से भारी है तो ये भारी होगा किससे क्यू से टी क्यू से, से हल्का है टी जो है वो हल्का है किस से क्यू से तो टी जो है वो हल्का होगा क्यू से पर सबसे हल्का नहीं है तो सबसे हल्का कौन सा होगा पी क्यू तो सबसे पी ही बचा तो पी आपका क्या आएगा पी आपका सबसे हल्का हो गया ठीक है तो तीसरे सबसे हल्के व्यक्ति तो ये सबसे पहला हल्का व्यक्ति दूसरा तीसरा तीसरा हल्का व्यक्ति कौन सा आपका क्यू आंसर क्या होना चाहिए क्यू सो बी क्यू इज द करेक्ट आंसर सो इट इज ऑल ये आपका पेपर था टोटल मैंने हंड्रेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जिसमें सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके सेकंड पेपर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तब कुछ मॉडरेट क्वेश्चन किए कुछ हार्ड कुछ ईजी सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं हम कोशिश करेंगे ये जो क्वेश्चन थे उसकी पी हम अपलोड कर दें इस वीडियो के लिंक में ताकि आप उसको पढ़ सकें और क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर सकें और टेस्ट कर सकें तो अपनी तैयारी को मजबूत कर रखें आ, हमारे चैनल्स के अंदर सारे वीडियोस दे रखे हैं नंबर सिस्टम आ, डेटा स्ट्रक्चर जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट के वीडियो दे रखे हैं आप देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चैनल पे बने रहें अपनी तैयारी को मजबूत करें निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगे थैंक यू वेरी मच